मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद, मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद, मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद। क्यों भाई साहब, देखकर चौंक गए? सोच रहे हैं कि आपके सामने हाथ बांध कर खड़े होने वाला मंत्री कैसे बन गया? मंत्री रामप्रसाद को हटाने के बाद उसी कोटे से किसी और को मंत्री बनाने का फैसला सीएम ने किया, इसीलिए मैं मंत्री बन गया। मंत्री इसलिए बना क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला। राजभवन में कसम खाने के बाद मैं वहाँ सीएम साहब से भी मिलने नहीं गया, सीधे फ्लाइट पकड़कर शहर में उतरा और वहाँ से हेलीकॉप्टर से सीधे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस रोज तुमने ये नहीं सोचा कि मैं एक एमएलए हूँ और तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। उस बेइज्जती का बदला लेने मैं यहाँ आया हूँ। मिठाइयों में सबसे बेहतरीन काजू कतली और ओहदे में मंत्री, इस ओहदे की बदौलत हम क्या क्या कर सकते हैं देखना चाहोगे? उस दिन 120 एकड़ जमीन खरीदी थी तो बहुत बवाल मचाया था। अगले 6 महीनों में पूरे राज्य में 1200 एकड़ जमीन खरीदने वाला हूँ, देखता हूँ क्या कर लोगे तुम। क्या कहा था तुमने उस दिन? कि अगर मैंने खुद अपनी सीट नहीं छोड़ी तो उस सीट को खाली करवाने के लिए तुम मेरा कत्ल करवा दोगे। आज मैं इस राज्य के सभी विधानसभाओं के इलाकों का मंत्री हूँ, क्या कर लोगे तुम मेरा? बोलो क्या कर लोगे? अब देखना, इसी जगह सबके सामने मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा और उसके बाद तुम्हारा सर काट डालूंगा। मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद, मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद, मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद। भाई, आपसे मिलने के लिए तेजस्वर का बेटा आया है। कितने लोग हैं उसके साथ? अकेला ही आया है। आने दो उसे। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में मुझसे क्या बात करोगे? जो कहना है सबके सामने कहो। जब मैं अकेले यहाँ तक आया हूँ, वो भी बिना किसी खौफ के, तो फिर आप क्यों घबराए? चलो निकलो सब यहाँ से, जाओ सब यहाँ से। मैं डर रहा हूँ क्या? हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मिठाई में काजू कतली और ओहदों में सबसे बेहतर होता है मंत्री, यही कहा था ना? आप एक बात जानते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने देखा है परचून की लिस्ट में भी मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल सब किलो के हिसाब से ही ली जाती है, लेकिन सिर्फ काजू ही 100 या 200 ग्राम के हिसाब से लिए जाते हैं। एक दो लेते इतना कम है, और खीर में भी थोड़ा सा ही डालते हैं। ज्यादा खरीदने से पैसा बर्बाद होता है, ज्यादा खाने से तबीयत खराब होती है, यही हाल मंत्री का भी होता है। अगर मैं अपने पर आ गया ना, या तो रोड पर खड़ा होना पड़ेगा या फिर कोर्ट में। लोगों को हमेशा मैंने अपने बाबा के पीछे खड़े होते हुए देखा है, आज पहली बार है मैंने किसी को अपने बाबा के सामने खड़े होकर उन्हें ललकारते हुए देखा है, और फिर जान से मारने की धमकी देते हुए भी। सुनकर बहुत तकलीफ तो पहुंची, अब मैं तुझे ललकार रहा हूँ। आज से 30 दिनों में अगर तूने मेरे बाबा का सिर नहीं काटा तो मैं अपने खानदान के साथ तेरे पैरों पर गिर जाऊंगा, और अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे बाबा तेरे पैरों पर आकर गिर जाएंगे। क्या कहा? क्या कहा तूने? अगर तूने मेरे बाबा का सिर नहीं काटा तो हम अपने खानदान के साथ तेरे सामने झुक जाएंगे, और अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे बाबा तेरे पैरों पर आकर गिर जाएंगे। इसका मतलब है मैं तेरा सिर यकीनन काटूंगा। आज मैं मंत्री हूँ बेटा, लेकिन तेरे बाबा आज भी वही तेजेश्वर हैं। ललकार कबूल है या नहीं? 30 दिनों में मैं तेरे बाबा का सिर काट डालूंगा। देखते हैं कौन क्या करता है। इसका मतलब है जैसा मेरे बाबा ने कहा था वैसे ही शिवगंगा में फिर से जल्दी चुनाव होने वाले हैं। चलता हूँ। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। गांव में हमारे पास कुछ जमीनें, कुछ दुकानें हैं, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए कुछ स्कूल भी हैं। इसका मतलब है तुम जरूरतमंद नहीं हो। ऐसी बात नहीं है भाई। तुम जिस पार्टी से चाह खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, सुंदरपुर में कॉलेज है, 3 स्कूल है, 3 कारखाने हैं, वहाँ 7,000 लोग मेहनत करते हैं, वहाँ पर स्टेशन होना जरूरी है। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। हमारे एमएलए साहब ने स्टेशन के लिए दिन रात मेहनत की है। अगर हमारे गांव में स्टेशन नहीं बना तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तुम लोग किस तरह की बात कर रहे हो? क्या तुम एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना? जहर का बीज क्यों बो रहे हो? याद रखो ये जनता है। नेताजी इतने नाराज क्यों हो रहे? मामला बहुत नाजुक है, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निपटा जाए इससे। कानूनी तौर पर आपको हर चीज की इजाजत है, बाकी बदमाशों से हम निपट लेंगे। क्यों राजेश्वर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो नया स्कूल बनाने में कितना खर्च आएगा? उसका टेंडर अभी निकला नहीं। ओह अच्छा, ठीक है चलो। आपका नाम नहीं के बराबर लग रहा है।
ए, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे क्या सिर्फ नाम के लिए? चप्पल से मारूंगा, ये इसी के लायक। सुनो, तुम लोग भी मारो इसे। भाई हमारी चप्पल तो बाहर है। अरे तो जाकर लेकर आओ, मारो इसे। एमएलए होते हुए भी इतनी गुलामी धिक्कार है, इससे अच्छा हम परचून की दुकान खोल लें। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी तस्वीर पर चप्पल मार रहे हो? आपने तो मारने के लिए बोला था। अच्छा तो तुम लोग इतने वफादार हो क्या? मैं किसी को मारने के लिए कहूंगा तो मार दोगे? जीते हुए 2 साल हो चुके हैं, एक ढेला भी नहीं कमा पाए। उन्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है, हर किसी काम के लिए अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं मुझे। गरीब के गांव में एमएलए को देखो, जीते हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं, आते ही ऑडी कार खरीद ली। उसने ऑडी खरीदी है, हम बॉडी खरीदेंगे। क्या? उसने जून में ली, हम जुलाई में लेंगे। अरे जिन्हें ऑडी और महीने का फर्क नहीं पता, ऐसे लोगों के साथ मेरी तरक्की खाक होगी। सुनिए ना, हमने सुना है वहाँ रेलवे स्टेशन बनने वाला है। अगर सच में मेरे गाँव में रेलवे स्टेशन बन गया तो आने जाने में कितनी सहूलियत हो जाएगी ना? बहुत खूब। मेरी मुश्किल है, मेरी गाय चारा यहाँ खाती है, दूध पड़ोस में देती है, और तुम्हें फिक्र है कि दूध पड़ोस में देती है तो गोबर कहाँ दे रही होगी? जाओ यहाँ से। लेकिन भाई, हमने स्टेशन का काम शुरू करने के लिए मिल मालिक से 10 लाख रुपए लिए हैं। फिक्र मत करो, अगर स्टेशन हमारे गाँव में नहीं बनेगा तो कहीं नहीं बनेगा। तो आप ही बताएं क्या किया जाए। शिव गंगा के सारे रेलवे ट्रैक पर बॉम्ब बिछा दो। रेलवे मिनिस्टर को आगाह कर दो कि अगर वहां रेलवे स्टेशन बना तो बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, फिर घबरा कर वो फाइल ही बंद कर देंगे। श्याम, रेलवे पटरी पे बॉम्ब फट गया है। ट्रेन कब तक आएगी? शाम, ट्रेन तो कभी भी आ सकती है यार। तू जल्दी से भीड़ को वहां से हटा। हाँ ठीक है। हाँ। और तू ये लेके लहरा, और जो कहा है वो जल्दी करो। हाँ। अरे गाड़ी आ रही है, रुको रुको, रुक जाओ, ट्रेन रोको रोको। अरे एक नौजवान लाल कपड़ा लेकर हमारी तरफ आ रहा है। रुक जाओ, गाड़ी रोको, गाड़ी रोकी है, पट्टी टूटी हुई है, रोकिए। गांव के 10 आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया और छानबीन कर रही है, अब क्या करें हम? हमारे गांव के लोगों से पुलिस तहकीकात कर रही है। देखो तुम लोगों की करतूत है तुम्हारे गांव वालों की। उस रोज जब मीटिंग में मुखालफत हुई थी तभी समझ लेना था किसने किया, किसके कहने पर किया गया। जब तक नहीं बताओगे कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा, समझे? साहब हमने नहीं किया, साहब हमारा कोई हाथ नहीं है। शिव गंगा से लेकर आसपास के सभी गांव में पता लगाओ, यहाँ से गुजरने वाले सभी बसों और सारे बस स्टॉप पर चील की नजर रखो। पिताजी बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं, ये सब सेलफोन आने से पहले की तरकीबें हैं। आजकल गेम बजाकर लोग सेटिंग से बच जाते हैं, जंगल इनका असल ठिकाना होता है। ये मेरा शक नहीं है, लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूँ ये लोग वही कहीं मिलेंगे। पुलिस वहाँ का चप्पा चप्पा छान रही है शाम। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई होगी कि बॉम्ब कितने किलो का था, देसी था या विदेशी, कितने तार थे, कितना बारूद था, कहाँ से फेंका गया होगा, वो टाइम बॉम्ब था या रिमोट बॉम्ब था। बस ये सब पता लगाते लगाते ही उन्हें रात हो जाएगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनसे पहले ही पता लगा लेंगे। सुनो, बाइक को पत्तों से छुपा देते हैं, जल्दी करो। कोई नजर आ जाए तो अनजान बन जाना, कॉल करना। हाँ ठीक है, लेकिन बात मत करना, कोई तुम्हें देख ले तो मेरी तरफ बढ़ जाना। ठीक है, ठीक है, चलो जाओ। हाँ हाँ। Thank you.
ए गणेश, हमारा काम पूरा हुआ क्या? ए मुन्ना, टायर पंचर हो गया। हमारी साइकिल का टायर पंचर। अरे उसको चिपका दे यार। अरे मेरे साइकिल का हैंडल मुड़ गया है। हैंडल मुड़ गया? मैं हूँ ना। भैया, उन्हें हैंडल सीधा करने में दिलचस्पी क्यों है? ये एक बीमारी है। जहाँ साइकिल का हैंडल टेढ़ा दिखता है वो उसे ठीक करने चले जाते हैं। इससे दो काम निपट जाते हैं, एक तो हैंडल सीधा हो जाता है, दूसरा उनकी खुद निपट जाती है। हमारे दो अंडे। क्या बहन जी, आपको दो अंडों की पड़ी है? यहाँ तो आई, जिसका नुकसान होता है दर्द भी उसी को होता है। सुनो गणेश, 10 साइकिल किराए पर चाहिए। किराए पर? लेकिन क्यों? पड़ोस के गांव वालों को सबक सिखाना है। लेकिन बाइक से भी तो जा सकते हो ना। अरे बाइक अगर रास्ते में बिगड़ गई तो उसे ढो तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन साइकिल तो आराम से ढो सकते हैं। क्या बात है मेरे दोस्त, मेरी साइकिल ले जाओ और किराया दे देना जरूर। यहाँ से सारे चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, उन पर हमला करना। ठीक है, ठीक है। फुर्सतियो, ताश खेल रहे हो ना, ठहर जाओ। अभी बताओ, ध्यान से सुनो, गांव को चारों तरफ से घेर दो, कोई बाहर ना निकलने पाए। मुझे कहां लेके जा रहे हो? मेरी सारी साइकिलें टूट जाएंगी। वो सारे लड़के अपनी साइकिलें लेने जरूर आएंगे। सभी लोग यहीं पर डेरा डाल दो। अपने बाप से बहुत मेहनत करके दुकान खुलवाई थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुझे तेरी साइकिल चाहिए ना? बोलो भाई, फॉर्मूला 43। ठीक है भाई, बस देखता जा। किसी ने हमारे खलियानों में आग लगा दी, जल्दी चलो। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या बात है, मान गए भाई। चलो अपनी साइकिल लेकर के भागते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी। हाँ जल्दी उठा, जल्दी उठा। चलो चलो। तुम लोग जो मंदिर के लिए निकले, तो माता के मंदिर कैसे पहुँचे? मंदिर में आने वाले भक्तों को मारने का प्लान बना रहे थे। आज के बाद आपके रिश्तेदार या आपके गाँव वाले यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। साहब, ट्रेवल एजेंट घर पे इंतजार कर रहा है। ठीक है, घर में सब खैरियत तो है? सब आपकी दुआ है माँ जी। कैसे हैं? अरे जरा श्याम को बुलाओ। नमस्ते। अब तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। बेटा श्याम, तेरे बाबा बाहर गए हैं, जल्दी से आकर खाना खा ले। वैसे भी बहुत देर हो रही है। सारी माएं अपने बेटों का ही साथ देती हैं, और एक मेरी माँ है जिन्हें सिर्फ बाबा ही नजर आते हैं। कितने दिनों तक छिपता रहेगा बेटा? बेटा, इस पर 7 फोटो लगाकर साइन कर दो। आपने मेरे लिए कोई जमीन देखी है क्या? नहीं बेटा, ये तुम्हारे पासपोर्ट का फॉर्म है, क्योंकि तुम मुलाजमत के लिए फॉरेन जाना चाहते हो ना? क्या मेरे पोते को भी बाहर गांव भेजोगे? सुनो भाई, बाबा आपको फंसाना चाहते हैं। फंसना? चुप करो, ये मस्कत दुबई सिंगापुर कहीं भी जाए, जब तक ये मेहनत करके 2 पैसे नहीं कमाएंगे ना, इन्हें पैसों की कदर नहीं होगी। इसे पैसे कमाने के लिए बाहर जाना ही होगा। इसे क्या हो गया, ये मुझ पे क्यों भौंक रहा है? क्योंकि आप शाम को बाहर भेजना चाहते हैं, ये बात इसे पसंद नहीं आई। ऐसा तो क्या कर दिया इसने जो बाहर भेज रहे हैं? कोई किसी की लुंगी खींच ले तो ये उसके गांव जाकर उसकी पैंट उतारेगा। तुमने पड़ोस के गांव में क्या हंगामा किया है? उस रोज जिन लोगों ने पटरी पर बम लगाया उन्हें आपके आदमी तो पकड़ नहीं पाए, उन्हें मेरे बेटे ने सबक सिखाया। यही यही इसकी गलती है। मैंने जानबूझकर गलत रास्ते पर लोग भेजे थे, ताकि ये पता लगा सके कि किसने ऐसी घिनौनी चाल चली थी। और बेटा, हम उस इंसान का पर्दाफाश करना चाहते थे, लेकिन तुम उन्हें खुद ही पकड़ कर ले आए। अब मुझे ये पता नहीं चलेगा कि उनके पीछे किसका हाथ था। इसीलिए जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। अब आज समझ में बात? मैं जाऊंगा, लेकिन बाहर गांव नहीं जाऊंगा। हैदराबाद में मेरे दोस्त के चाचा की एस्टेट एजेंसी है, मैं वहीं पर सीखूंगा, वहीं करूंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम वहां से आधे घंटे में आ जाओगे। जी नहीं बाबा, जब तक आपका हुक्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। साहब, पासपोर्ट का क्या किया जाए? बनवा दीजिए, कभी तो काम में आएगा। क्या बात है श्याम, बाबा अपनी जगह पर सही हैं। दरअसल मैंने ही उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया था। लगता है मेहनत करके ही अक्ल आएगी मुझ में। किसी से लड़ना झगड़ना मत बेटा। तुम फिक्र मत करो माँ, वक्त पर खाना खा लेना, लक्ष्मी माँ का ख्याल रखना। चलता हूँ माँ। अपना ख्याल रखना बेटा। चलो बेटा, चलो कार में चलते हैं। नहीं नहीं, मैं तो बाइक से जा रहा हूँ। लेकिन ये मुमकिन नहीं है बेटा, तुम्हारे लिए तो सारी गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं। मैं हैदराबाद किसी जनसभा के लिए नहीं जा रहा हूँ, कहीं का मंत्री नहीं हूँ जो मैं जहाज से जाऊँ या कार से जाऊँ, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो अपनी बाइक से ही जाऊँगा। देखिए बाइक भी तैयार है।
तुम हैदराबाद तक बाइक से जाओगे? बाइक बस पर चढ़ाऊंगा और बस में बैठ जाऊंगा। अरे यार, अरे तुम किसके कहने पे गांव छोड़ के जा रहे हो? मैं मालिक से बात किए बिना तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अरे मत हो यार, नहीं जाने दूंगा। इसमें मारने वाली कौन सी बात थी? क्योंकि तू प्यार से कहां समझता है, इसलिए मारा। बेटा गणेश, कहते हैं कि जाने वालों को रोका नहीं जाता है, उसे रोक कर तुमने मुसीबत ले ली ना। आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी नहीं, मुझे मुंह हिलाना अच्छा लगता है, वही हिला रहा। उसके जाने से तुम मुझसे नाराज हो? हमारा एक ही तो बेटा है, उसे दूर भेजकर आपने गलत ही किया ना। देखो, मैं लोक पंचायत लगाता हूँ, उसमें कुछ लोग चुप रहते हैं और कुछ लोग मुझसे दिल ही दिल जला भी करते हैं। मुझसे बदला लेने के लिए वो कहीं हमारे बेटे को कुछ ना कर दें। हमारा बेटा सुरक्षित रहे, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अजी सुनते हैं, वो इस मछली के 200 रुपए मांग रहा है। तो कौन सा ज्यादा मांग रहा है, दे दो। अरे ऊपर वाले, मुझे इससे बचाना। शुक्र है मालिक का। चलती हूँ मामू जान। ठीक है बेटी, संभल कर जाते हुए बच्चों को छोड़ देना। तुम्हारे नोट्स की जेरॉक्स समय दे दोगी? जरूर दे दूंगी, फिलहाल देर हो रही है, पहले चलते हैं। हाँ, हाँ। जल्दी चढ़ो, संभाल कर उतारो भाई, कोई नुकसान ना हो जाए। वासू, कैसे हो वासू? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मेरी बाइक की बोरी जरा खोल तो देना। हाँ, अभी खोलता हूँ। अरे सुनो, तुम राधा हो ना? हाँ। मैं श्याम, भूल गई, हम बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तुम 5वीं में और मैं 7वीं में था, याद है? माफ करना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? बनो मत, तुम राधा ही हो ना? ए, मैं क्यों बनूंगी, मैं कोई राधा वादा नहीं हूँ। क्या हुआ दोस्त, मेरी बाइक लेकर आने तक तुम बस में सवार हो गए? कुछ नहीं यार, मेरी स्कूल में मेरे साथ एक लड़की थी ना, राधा नाम की, वो बस में देखी लेकिन मैंने उसको पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। ये सब छोड़ो, मजनू भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारे चाचू है ना। बैठना यार, रिश्ते बाद में जोड़ते रहना। दुकानें आज भी वैसी ही है। तुम लोग कैसे हो भाई? अरे चाचू, कैसे हैं आप? क्या बात है चाचू? अंदर चलो, बताता हूँ। अरे चाचू कुछ बताएंगे भी? सुनो, आज के बाद चाचू मत कहना। क्यों? भैया कहना मुझे। अरे चाचू क्या हो गया आपको? पहले तो सोनू चाचा कहता था और अब ये चाचू कहने लगे। थोड़ी देर में पता नहीं और क्या कहेगा। मैं यहाँ का मालिक हूँ, तू नौकर। याद रहे, मालिक बेअदब होते हैं और नौकर बेजुबान। तुम नौकर हो इसलिए मुझे मालिक कहो या भैया? तो चाची को भाभी जान कहेंगे? खामोश रहो दादा, जुबान मत चलाओ, दूसरों के सामने तमीज से पेश आए। क्या बात है, ये लीजिए भैया। चाचू को भैया बोलता है, अकल घास चरने गई है क्या? अब ये बोलेंगे भाई तो बुलाना पड़ेगा ना। अरे आपका दिमाग खराब हो चुका है। मामा हो या चाचा, हम जो भी है जैसे भी है, परी शहर में हमारी इज्जत है। पहले तुम जाओ, इससे काम सीखो, फिर आना। अब एहसास हो रहा है कि गांव में छोटे बच्चों को सर पे चढ़ाना कितना महंगा साबित हो रहा है। ए, ध्यान से मुझे न कटे। तेजस्वर जी, आपको स्कूल के हिसाब के साथ आने के लिए कहा है, फौरन आने के लिए कहा है। अरे ऐसे ही चल दूं क्या? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। 35 लाख रुपए में ये टेंडर रोके हुआ है भाई साहब? ये तो बहुत ही ज्यादा है। क्यों लक्ष्मण? मालिक, हमारे शिवा ने जो घर बनाया था उस पर कितना खर्चा आया था? 1200 स्क्वायर फीट का मकान बनाने के लिए उस वक्त उन्होंने 10 लाख बताया था। मतलब ये कि 2000 स्क्वायर फीट के लिए 20 लाख रुपए में मकान बन जाना चाहिए। अब उसे सजाना भी है लेकिन वो खर्च इसमें नजर नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। अरे क्या बड़ी कंपनी, सोने का दरवाजा लगा कर देंगे क्या? उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, अपने विजय सिंह से ही बनवा लेंगे। ऐसा करने से वो कोर्ट चला जाएगा भाई साहब। कोर्ट में जाएगा तो कभी तो बाहर आएगा, उसके वही टुकड़े करवा देंगे। उस कॉन्ट्रैक्टर को भेजो। जी भाई साहब। मुझे शक है कि ये वाकई नेक इंसान है या ये दिखावा कर रहा है, इस पर नजर रखो। लानत है ऐसी जिंदगी पर, लो ये भी रख लो। इस घर से लेकर उसके घर तक सब कुछ उन्हें पता होता है। 50,000 लोगों को तो वो बस हाथ दिखाकर चले गए थे, लेकिन उनके सामने मीटिंग में गला फाड़ कर चीख कर वोट मांगने वाले हम थे। उन लोगों के झोपड़ों में गंदा पानी पीकर, बासी खाना खाकर, फिर घर आकर मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने वाले वो नहीं थे, हम थे। अरे मेरे, ऐसी जिंदगी पर लानत है। उसे हम मार डालेंगे भाई। मार दोगे? हाँ, 5 लाख मिलेंगे,
बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो भी ले लो, जाओ मारो। मैं क्यों, निकल गई हेकड़ी, लानत है हम पर। थू, तुम लोगों को पालने से बेहतर है कि मैं कोई जानवर पाल लेता। बहुत जीली गुलामी वाली जिंदगी, अब हमें आजाद होना ही होगा। तेजेश्वर जब उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलेगा तो उसे मारने की धमकी जरूर देगा। इसी का फायदा उठाकर हम अल्फोंसो की मदद से उसे खत्म कर देंगे और इल्जाम तेजेश्वर पर लगाएंगे। अभी वो ये काम नहीं करता। क्या? जब से उनके बेटे का इंतकाल हुआ वो बहुत टूट गया। हाँ? है। बेटे के गुजरने पर इतना दर्द है? बिल्कुल, बेटे का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। आज से ठीक 20 साल पहले तेजेश्वर अपने पिता की मौत पर रोया होगा। उसके बाद उसके घर से कोई अर्थी नहीं उठी, इसीलिए इतना उड़ रहा है। अगर उसे तोड़ना है तो उसके बेटे को मौत के घाट उतारना ही होगा। उसका बेटा अब यहाँ नहीं रहता, वो मुलाजमत के लिए हैदराबाद गया। ये तो और भी खुशी की बात है। हैदराबाद में अपने अन्ना को फोन लगा। अरे क्या बात है, नेताजी का फोन आ रहा है। क्या हाल है अन्ना? बोलिए साहब, कैसे याद किया? फिक्र मत करिए, काम हो जाएगा। ए, अपने सुलेमान को बुला। लड़के का नाम श्याम है, हाल ही में आर के रियल एस्टेट में काम पर लगा है। तुम्हारा उसे कोई पुराना पंगा था इसलिए तुमने उसे मारा, इससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। ये कत्ल साजिश है, मनसूबा नहीं लगना चाहिए, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। इत्मीनान से तुम अपने तरीके से काम करो। ठीक है भाई। ये काम पैसों के लिए नहीं, इज्जत के लिए कर रहे हैं, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्या कहा, बिना पैसे के? कौन है ये? MLA राजेश्वर, यहाँ सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं वो, कभी भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी। सुनो, श्याम को ले जाकर हुसैनपुर का पूरा लेआउट दिखा दो। जी भैया। कुमार, एयरपोर्ट के करीब 4-5 प्लॉट है जिसे देखने के लिए मलेशिया से क्लाइंट आ रहे हैं। लोकल लोगों से मत मिलवाना, काम खराब कर देते हैं। एयरपोर्ट के करीब प्लॉट खरीदा है लेकिन हैदराबाद एयरपोर्ट को बड़ा करने के लिए करीबी जमीन सरकार लेने वाली है। ये क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमारे पास स्टे ऑर्डर है। अरे यार वो देख, उस रोज मैंने बताया था ना, मैंने एक लड़की देखी थी, शायद वो इसी कॉलेज में पढ़ती है। उसने कहा था ना कि वो तुम्हें नहीं जानती। आज भी वैसे ही दान धर्म करती है। दान लेने वाले नए नए तरीके निकालते हैं लेकिन दान करने वालों का अंदाज वही रहता है। तो मैं भी वही कह रहा हूँ ना बेवकूफ। ये ले। अरे श्याम भाई, अरे आखिर पहुंच ही गया। जब से तूने गांव छोड़ा है मानो गांव में अकाल पड़ गया हो। तेरे बगैर दिल ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तेरे ही पास चला चलूं। इसलिए बस पकड़ी और सीधा चला आया हूं। अच्छा। तो यहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो सोचा साइकिल के लिए बेल खरीद लूं। इसी बहाने मुझसे मिलने चला आया। नहीं तो क्या भैया, वो साइकिल वाला गणेश वहाँ आया है क्या? हाँ क्यों लक्ष्मी? उसने कहा होगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। हाँ हाँ बिल्कुल, वो आपकी जासूसी करने वहाँ आया है। मतलब? दरअसल बाबा को आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए उन्होंने उसे वहाँ भेजा है। थैंक्स, मैं देख लूंगा। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे मालिक का ईगल स्टेट का कारोबार है। रियल स्टेट। रियल स्टेट। ईरल स्टेट। रियल रियल ईरल। खैर वो छोड़े, मारने वाले को तो बख्श सकते हैं लेकिन जासूसी करने वाले को बख्शा जा सकता है? दुश्मन को तो बख्श दे लेकिन दगाबाज को तो हरगिज नहीं। बाबा के कहने पर तू यहाँ चला आया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आते मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि तेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। तुझे पता नहीं कि यहाँ पर बैल बनाने वाली कंपनी है? साइकिल की घंटी लेने के लिए यहाँ तक चला आया, यहाँ मेरी जासूसी करने आया और मुझे छूट दिया। घंटी खरीद पाएगा या नहीं लेकिन तुम्हारी घंटी जरूर बच जाएगी। चल रहा है? अरे मालिक आप कैसे हैं? तुम भी चले आए? सारे के सारे नंगे भूखे मेरे ही ऑफिस में भीख मांगने आते हैं, कल से इसके हलक में भी निवाला डाल दे। जी भैया। ए तूने उन्हें भैया कहा? लेकिन रिश्ते में तो वो तुम्हारे चाचा है ना? तुझे अभी पता नहीं है कि यहाँ का निजाम ही अलग है। मामू को चाचू कहते हैं, साले को खालू कहते हैं, भाभी को चाची कहते हैं और दादी को क्या कहते हैं? अरे अरे चुप चुप, इतना रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाई, मालिक ने तुम्हें दफ्तर देखने के लिए कहा था और तुम यहाँ खड़े होके क्या कर रहे? दफ्तर ही तो देख रहा हूँ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? यहाँ से दफ्तर कैसे दिखाई देगा? तुझे पता है दफ्तर से भी दफ्तर देख सकते नहीं हैं? पता। अब यहाँ से देख, सारा ऑफिस कितना साफ नजर आ रहा है। बेवकूफ हूँ मैं, बेवकूफ हूँ, एक नंबर का उल्लू का पट्टा हूँ मैं। वो फोन नहीं उठा रही है। हाँ इसीलिए मैसेज कर रही हूँ। इरादा उस तरफ मत देखना, वो कल वाला लड़का है ना, उसकी नजर तुझ पर है।
लेकिन तूने उसे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? स्कूल में मास्टर जी को उसने पत्थर फेंक कर मारा था, बचपन से ही लोफर है। अगर उसे पता चल गया कि मैं ही राधा हूँ तो पीछा नहीं छोड़ेगा। हाय राधा, फिर से आ गए। मैंने कहा ना मैं राधा नहीं हूँ। तुम ही राधा हो। अगर तुम मंदिर को मस्जिद बताओगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे मंदिर को तो मंदिर ही कहेंगे ना, मस्जिद क्यों कहेंगे भला? देखो मुझे मजाक पसंद नहीं है, ये बताओ काम क्या है? तुम्हारे गांव में शिवगंगा के करीब बरगद का पेड़ है ना? ऐसे क्यों कह रहे हो, इसका मतलब आपको नहीं पता? जी नहीं बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये राधा ही है। हेलो, मेरा नाम करीना है और मैं बिहार से। अच्छा मजाक है, अपनी पसंदीदा अदाकारा का नाम बताओगी? तो फिर सुनो, मैं भी शाहरुख सलमान आमिर से कम नहीं हूँ, और तुम हीरोइन बन जाओ ना, दीपिका प्रियंका कटरीना। एक काम करो ना, बॉलीवुड चली जाओ। बचपन में भी ऐसी छोटी बिंदी लगाती थी और आज भी बिल्कुल वैसी बिंदी लगाती हो। ए, बिंदी दो ही तरह की होत है, या तो लंबी या तो गोली, ईमा से एक ही लगा सकत है। अब तू अपन बकवास बंद करा, हमने की तरह से कोनो बात ना करे के बा। अरे वाह, भोजपुरी तो कमाल की बोल लेती हो। वो तो राधा, जल्दी आवाज छूट जाएगी। देखूं तो सही शहर में चल क्या रहा है। हैंडल को भी अभी टेढ़ा होना था तो अभी सीधा कर देता हूँ। अरे यार, जैसे कुत्ते बिजली का खंभा देखकर पैर उठाते हैं वैसे तू टेढ़ा हैंडल देखकर। अब भुक तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ, तुझे वही लेके जा रहे हैं। कहिए लेडीज, डॉक्टर के पास क्यों लेके आया? आप तकलीफ बयान कीजिए। इन्हें चोट लगी है। जगह लगी है। अब तक साइकिल वाले ठोका करते थे तो ट्यूब पंचर होती थी, लेकिन आज पहली बार कार वाले ने ठोक दिया तो पूरा टायर फट गया। बताइए क्या करूँ मैं? इन्हें पंचर की दुकान पर ले जाए। अरे डॉक्टर और वकील से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सब खुलकर बोलना चाहिए। बोलूंगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कहाँ चोट लगी है? हाथ में, पैर में, जहाँ भी लगी है ठीक हो जाएगा। चलिए क्या मुसीबत है, कहाँ चोट लगी? यही होगा, मुझे पहले ही पता था। वो यही काम करता है। कहिए सर, किससे मिलना है आपको? कौन हो तुम? मैं यहाँ काम करता हूँ। मुलाजिम हो? अरे सुलेमान भाई, आइए आइए, अपना ही बंदा है। कहिए, चाय कॉफी कुछ लेंगे? हाँ, मंगा ले। ए सतीश, ए उससे लाने के लिए बोलो। वो ऑफिस बॉय नहीं है भाई। अरे सतीश, तू भी तो मुलाजिम है ना, जाके चाय ला। सुलेमान भाई जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये क्या बात हुई, आखिर मुलाजिम तो मुलाजिम ही होता है ना। सुलेमान भाई वो अभी आया है, आपसे उसे समझा दे, अपनी हद में रहे। वो ये लीजिए, चाय लाने में इतना वक्त लगता है क्या? अबे ये चाय है, कैसी चाय लेके आए? नहीं तो ऐसी बकवास और ठंडी चाय पिलाएगा मुझे? सही बात है, चाय में ना तो लज्जत है और ना ही गर्म है। कहो, चाय ना तो गर्म है और ना ही इसमें कोई मिठास। आइंदा ऐसी चाय मत पिलाना। ए, चल रहे। ये क्या किया तूने, उस बदतमीज को ऐसे ही छोड़ दिया? अरे छोड़ना यार, वैसे भी चाय से मुंह धोने से रंग खिलता है, आज साबुन से मुंह धोने की जरूरत नहीं है। इशारा करो, उसका पेट चीर के उसकी चर्बी ना उतार दी ना, तब तुम कहना। तुझे तो पता है ना, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, काम सीखने के लिए आए हैं, इसलिए हमें ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा। अबे तू कब से इतना सीधा और समझदार हो गया मेरे भाई? हम लोग मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है, डट के मुकाबला करने वालों में से हैं। ए सुन, तू अभी गांव फोन लगा, जल्दी लगा, मैं कह रहा हूँ। आई मारा क्यों? तूने आज तक मेरी बात कभी प्यार से मानी है क्या? नहीं ना। तू इन लोगों को जानता है क्या? कौन है ये लोग? ये लोग अन्ना के आदमी है, इसी कॉलेज में इसके लोग कैंटीन चलाते हैं, ये भी इस कॉलेज में कभी पढ़ाई करता था। अरे ये क्या, कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं होगी तो लेने का क्या मतलब है भाई? hey, मैटर क्या रे? भाई ये ऊंची आवाज में बात कर रहा है, दादागिरी करेगा? हाँ? अरे रे, कौन है तुम्हारे? किसने भेजा? बोल किसने भेजा? तेरी तो मैं, मुझसे दादागिरी करेगा? ऐसे क्यों मार? अरे सुनो, भाई बनने का शौक है तुझे? अरे अभी मारता हूँ, बहुत गर्म खून है ना तेरा, अभी ठंडा कर दूंगा। यहाँ से चलते हैं, चल जा यहाँ से, निकल। चलिए जोसेफ कॉलेज आ गया, उतरिए। हाय राधा, तुम दो दिनों से कॉलेज नहीं आई थी? मेरा नाम राधा जरूर है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी शिवगंगा स्कूल वाली राधा हूँ तो ये आपकी गलत फहमी है। अरे रे 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 रे, बायोडेटा कौन पूछ रहा है तुम्हारा? मैं यहाँ बिहार से पढ़ने के लिए आई हूँ। एक मिनट रुको, प्लीज अच्छी तरह से याद करो। तुम बचपन में ब्लेड से पेंसिल छील रही थी तो ब्लेड तुम्हारे पैर पर लग गई थी और मैंने अपना रुमाल तुम्हारे पैर पर बांधा था, पता है? फिर पूरे एक हफ्ते बाद तुम्हारा पैर ठीक हुआ था ना, यकीन ना हो तो अब भी देख लो, निशान पैरों पर ही होगा तुम्हारे। ये क्या बेहूदगी है, बीच रास्ते पर कोई इस तरह से बात करता है क्या? माफ करना प्लीज, घर जाकर आराम से देख लेना।
ए श्याम, तुम अचानक? अरे ज्योति, मैं खुद तुम्हें कई दिनों बाद देख रहा हूँ। अच्छा, ए राधा, तुमने कभी बताया नहीं तुम श्याम के टच में हो। पेन फ्रेंड, मेल फ्रेंड या यूं कहो कि बचपन की यादें है ना। ओ नो, मैं इन्हें नहीं जानती। तुम श्याम को नहीं जानती? अरे हम सब एक ही स्कूल में तो थे। लेट पेपर, खून रोकने के लिए रुमाल बांधा था, याद है? कब से इसे यही कबूल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इसे कबूल करने में आखिर परेशानी क्या है। ये मुझे पहचानने से ही इनकार कर रही है, यहाँ तक कि बिहारन भी बन जाती है। जब से तुम एनसीसी कैंप से लौट कर आई हो, बिहारी ही बोलती रहती हो। सोनाली तो बिहारी है, जब भी हम अकेले होते हैं तो हम बिहारी में बात कर लेते हैं। सारे गड़े मुर्दे गई हो। अरे ज्योति, तुम्हारा मोबाइल नंबर 9952499204 और राधा का आखिर में 4 हटाकर 5 लगा लेना। मेरा नंबर देने की क्या जरूरत थी? सॉरी यार, इसका नंबर सेव मत करना। उसे तो दिल में सेव किया है, मोबाइल में नहीं। तू यहाँ भी क्या कर रहा है? गांव कितनी बसें जाती हैं वो मैं गिन रहा था। किस जंजाल में पड़ा है भाई? तुम दोनों का मजहब बिल्कुल जुदा है। तुझे अपने मजहब की कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। हर मजहब की भलाई के लिए हमने बहुत काम कर लिया है, अब हमें अपने भी मजहब की खिदमत करनी चाहिए। हाथ पैर टूट जाएंगे तो कोई इज्जत नहीं करेगा। और जरा सोचो, अगर मालिक को इस बात का पता चल गया तो वो हमारी गर्दन उड़ा देंगे। उसकी फिक्र मत कर, वो मैं जोड़ दूंगा। इसका मतलब सर कभी भी कलम हो सकता है। ये क्या है दोस्त, हम लोगों को ब्रांडी थमा दी और खुद बियर पी रहा है। बता, अरे तुम लोग तो मस्ती में शराब पीते हो और मैं तो सेहत के लिए पीता हूँ। अच्छा, बियर पीने से सेहत बनती है क्या? जैसे मोटे लोग स्प्राउट खाकर डाइट करते हैं, वैसे ही पतले लोग बियर पीकर अपनी सेहत बनाते हैं। बस हम लोग यहाँ तुमसे बात कर रहे हैं और तुम मैसेज किसे कर रहे हो? राधा को मोहब्बत का मैसेज भेज रहा हूँ। दो दिन लड़की को देखे हुआ नहीं कि मोहब्बत हो गई। ये 10 साल पुराना बचपन का प्यार है, चिकन लव, कॉफी लव। जरा तफसील से समझाओ भाई। अरे यार, बचपन में अगर किसी लड़की से प्यार हो जाए ना तो कुछ अजीब सी कैफियत होती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। दिल में एहसास तो होता है लेकिन तब भी समझ में नहीं आता। अरे मालिक का फोन आ रहा है, जाकर बात कर, जल्दी जा। जी मालिक। वाह, तुम सब क्या कर रहे हो? यहाँ सब लोग पानी मिला करके। क्या मतलब? वो क्या है ना मालिक, यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, इसलिए सब लोग 4 बोतल पानी लाकर सब लोग नहा रहे हैं। मतलब क्या? नहीं, हमारा मतलब हम लोग पी रहे हैं। पहले उसे अच्छी तरह से उबाल लेना। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मालिक, आपका हुक्म सर आंखों पे। कुछ लोग तो गर्मा गर्म पी रहे हैं और कुछ लोग तो ठंडा करके पी रहे हैं। शाम ठीक से खाना पीना खा रहा है ना? आप बेफिक्र रहे मालिक, आजकल वो डाइटिंग कर क्या रहा है। कैसी डाइटिंग? बॉडी मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयां भी खा रहा है। अगर दवा से फर्क पड़े तो कुछ पैकेट यहाँ भी भेज दो, उसकी माँ को भी दे देंगे। वो दवा पैकेट में नहीं मालिक, बोतल में आती है। कुरियर से भेजूंगा तो टूट जाएगी, जब हम आएंगे तो खुद ही ले करके आएंगे। ठीक है, शाम को फोन दो। फोन में कौन सी बदबू आएगी भाई? हाँ बाबा। बेटा तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है, वक्त मिले तो पोस्ट ऑफिस जाकर ले आना बेटा। हाँ बाबा। ज्योति, कल मैंने तुम्हें जो पिक्चर मैसेज भेजा था वो तुमने शाम को भेज दिया। हाँ तो की बच्ची, उसने जवाब में आई लाइक यू लिखकर भेजा है। खैर, तुम्हारे पैर पर निशान ही यही कहना था ना उसका। तुमने चेक किया क्या? चेक किया? क्यों चेक किया? मेरा निशान मैं क्यों ना देखूं? मान लिया, लेकिन आज से पहले कितनी मर्तबा देखा था? कभी कभार नजर पड़ जाती है। उसके कहने पर कैसे देख लिया? क्या? यही तो, यूं तो हम दिन भर में कितनी बार आईना देखते हैं, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि तुम बेहद खूबसूरत हो तो हम न जाने कितनी मर्तबा आईने के सामने खुद को निहारते रहते हैं। तब दीवानगी छा जाती है, उससे मोहब्बत हो जाती है और दिल उसे बताना चाहता है, लेकिन हम बताने से मजबूर हो जाते हैं और उसके दीदार के लिए आंखें तरसती हैं, और फिर उसके बाद खुदकुशी करने की नौबत आ जाती है और फिर मुश्किलें बढ़ने लगती है। बस भी कर मेरी माँ, मुझे बद्दुआ मत दे। यूनिवर्सिटी आ गया, चलिए उतरिए। और कैसी हो राधा? अब क्या परेशानी? जरूरी थोड़ी ना है कि परेशानी होगी तो ही मिलूंगा, है ना? सही कहा ना ज्योति? कल रात मेरे मोबाइल पर फिजूल के मैसेज भेजते रहे, इतने मैसेज भेजना जरूरी था क्या? और किसकी इजाजत से भेजा? किसकी इजाजत लेनी है? तुम्हारी माँ से या बाबा से या मास्टर जी से? ये बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ रहते हैं? शिवगंगा में या हैदराबाद में? उनका नंबर दे दो ना। फिजूल में उसके बाबा का जिक्र छेड़ दिया तुमने। अरे जिक्र ही किया ना, बेइज्जत तो नहीं किया ना? अरे उसके बाबा नहीं है, बचपन में ही गुजर गए थे, उनकी याद ना है इसलिए वो अपने मामा के यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रही है। माफी मांग लूंगा, तुम मेरी मोहब्बत के बारे में बात करोगी ना उससे? तुम भी मेरे दोस्त हो और वो भी मेरी दोस्त है। अगर तुम मुझसे कहने के लिए कहोगे और उसने इनकार कर दिया, तुम फिर से मुझसे कहोगे कि एक बार और ट्राई कर, इससे बेहतर है तुम खुद ही बोलो। ठीक है, मैं खुद ही इजहार कर दूंगा, बस सिर्फ तुम किसी तरह से शांति सागर रेस्टोरेंट में उसे भेज देना, और एक बार उसे मैं बात करूंगा, अगर इनकार कर दिया तो फिर कभी नहीं आऊंगा। ठीक है। भाई,
इस बारे में मालिक को बताऊं या ना बताऊं, इस कश्मकश में हूं मैं। ए, अभी भी जासूसी करेगा, सुधरेगा नहीं। किसी घर में बाप सख्त होता है तो बेटा ठंडे दिमाग का होता है, अगर बेटा गर्म मिजाज का होता है तो बाप ठंडे दिमाग का होता है, लेकिन तुम्हारे घर में तो दोनों ही सख्त हैं। तुम दोनों के चक्कर में फंस के मैं पिस रहा हूं। एक काम कर, पहाड़ पर चला जा, ऊपर वाले से माफी मांग, वहां से कूद जा, सीधे जन्नत में जाएगा। इतनी जल्दी थोड़ी ना जाना है यार। ज्योति, लेकिन मुझे बताओ कि मैं वहाँ जाऊँ क्यों? राधा वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, अगर तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है तो इनकार कर देना बस, और क्या। फिर भी नहीं माना तो? कैसे नहीं मानेगा, तू बात को समझ नहीं रही हो। मना करने से वो नहीं मानेगा, लेकिन अगर तू प्यार से मना कर दोगी तो वो तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगा। हम लोग तो उसे बचपन से जानते हैं ना, घबरा क्यों रही हो? एक बार खुलकर बात करने में हर्ज ही क्या है। आइए साहब आइए। आओ ना, आप लोग यहाँ बैठ जाइए। इतना घबरा क्यों रही हो? फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा का जिक्र किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये बताओ कि मुझे यहाँ किस लिए बुलाया, क्या बात है? मैं तुमसे बचपन से ही, स्कूल लाइफ से ही बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन कभी इजहार करने का मौका नहीं मिला तो एमडी कहेगा ये आपका मसला है। चलो एक दिन तुम स्कूल नहीं आई और हमने सारा स्कूल देख लिया, सभी से तुम्हारे बारे में पूछा, किसी को कुछ पता ही नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से पढ़ाई में ध्यान देने लगा और फिर जब पहली मर्तबा तुम्हें बस में देखा तो सब कुछ याद आ गया, और फिर एक ही नज़र में ही बस में तुम्हें पहचान लिया कि तुम ही राधा हो। मैं बस यही कहना चाहता था। तुम जैसा सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं है। मेरी माँ मुझे बहुत मेहनत से पढ़ा रही हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। मोहब्बत के नाम पर गाड़ी पर घूमना, फिल्म देखना, बागों में एक दूसरे का हाथ थामे घूमना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। अब हम अगले हफ्ते मिलते हैं, ठीक है? मैं जो भी कह रही हूँ समझने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि इन सब बातों को अपने जहन से निकाल। ए, तमीज नहीं है क्या? दो लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और आप इस तरह से झांक रहे हो। मामा जी, मामा, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? इस तरह खामोश क्यों है? मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम नहीं किया है तो इस तरह होटल में अकेली क्यों गई थी उसके साथ? मेरा यकीन करो मामी जी, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक तुम यहाँ रहना चाहो रह सकती हो, लेकिन आज के बाद मुझसे बात मत करना। जैसे ही फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो कुछ दिनों के लिए माँ के पास चली जाऊंगी। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या तुम्हें मेरे हाल पर जरा भी रहम नहीं आता? मामा जी की नजरों में मैं गिर गई हूँ। इतने सालों तक जिस मामा जी ने मुझे पलकों पर रखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे सिर्फ यही कहने आया हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। जब मैंने पहली बार तुम्हें बस में देखा तो पूछ लिया था कि क्या तुम ही राधा हो, अगर उसी रोज कबूल कर लिया होता तो शायद मैं तुम्हें हाय कहकर चला भी जाता। तुम्हारे इनकार ने मुझे कश्मकश में डाल दिया, तुम्हारा इनकार मुझे इकरार लगा। शायद मेरी गलत फहमी थी ये। बाइक पर घूमना, फिल्में देखना, बागों में बैठकर घंटों बातें करना, ये सब कुछ मुझे भी नहीं आता है राधा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज से ठीक 6 महीनों बाद मैं तुमसे सिर्फ 2 पल के लिए मिलूंगा। अगर तुम राजी हो गई तो ठीक है, वरना मैं अपनी बदकिस्मती समझ कर यहां से सीधे चला जाऊंगा। अगर मर्द पर मुसीबत आती है तो उस तक ही रहती है, लेकिन लड़की पर कोई उंगली उठाए तो पूरा खानदान बदनाम हो जाता है। मेरी भी एक बहन है तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूं। तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, हो सके तो माफ कर देना। राधा माँ, तुम्हारे बाबा को गुजरे 12 साल हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला, 12 साल 12 पल की तरह निकल गए। रो मत बेटी, रो मत। क्यों रो रही हो तुम दोनों? मेरा बेटा नहीं है इसलिए? नहीं बेटा, तुम हमारी पोती नहीं बल्कि पोता हो। हौसला रखो, मालिक पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। जरा जल्दी करो, अगर बस छूट गई तो दूसरी बस दोपहर के बाद जाएगी। हमारे गांव में और भी तो मसले हैं। अब क्या हुआ? मालिक की नजर मुझे ही घूर रही है। अरे इसीलिए आज तक तुम कुमारे हो। माँ जी आप जरा बाहर तक छोड़ाइए। लाओ चाहिए, मुझे दे दो। अरे
क्यों मैडम, यहाँ क्या चल रहा है? बिल्ली बैठी है, कुत्ता चल रहा है, और मैं कह रही थी मैं कि ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये लक्ष्मण मछली करी को लेकर यहाँ वहाँ टहल रहा है, माजरा क्या है? क्या मछली करी? अरे अरे अरे, क्या है? मछली की खुशबू कितनी तेज आती है मैडम, क्या पता नहीं है तुम्हें? वो श्याम को बहुत पसंद है ना, पता नहीं उसे वहाँ वो मिलती होगी कि नहीं, इसलिए कभी कभी उसके लिए भेज देती हूँ। तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है? अगर उसमें किसी ने कुछ मिला दिया तो क्या होगा? दो मिनट के अंदर जिंदगी की कहानी खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे, मेरे जहन में ये आया ही नहीं। खा ले यार, खा ले, कोई बात नहीं। इस कड़क धूप में खाने के लिए तूने कितनी तकलीफ उठाई है, तो पहला हक तो तेरा बनता है। तू जब चाहता है मुझे मारता पीटता है, लेकिन खाने के मामले में सबसे पहले तुझे मेरी फिक्र होती है। तेरा यही प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया है मेरे भाई। और गणेश, खाने मजेदार है ना? किन ने बनाया है तो जायकेदार नहीं होगा क्या? तुझे चक्कर सा तो नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे लग रहा है तुझे चक्कर सा आ रहा है। वो क्यों? सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि हमारे दुश्मनों ने खाने में जहर मिलाया है, इसलिए पहले तुझे खिला दिया ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। क्या खाने में जहर है या नहीं ये जांचने के लिए मैं ही मिला था क्या तुम्हें? यही तुम्हारी मोहब्बत है मेरे लिए? कई मील दूर से खाना आता है और तुम्हें इसकी कदर भी नहीं। मालिक, अच्छा खाना खाने से अच्छे ख्याल आते हैं, आप भी खाइए ना। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। फिर क्या खाएंगे? भेजा। हमारी जिंदगी भर की मेहनत इसी जमीन पर लगी थी, हमें इस 7 लाख पर पूरा भरोसा था। इस नोटिस को देखकर लग रहा है मानो सब कुछ खत्म हो गया। आप फिक्र मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ए, क्या बात है, तुमने क्लास क्यों अटेंड नहीं की? घर में मसला पैदा हो गया है। क्या हुआ? कुछ दिनों पहले मामा जी ने एयरपोर्ट के करीब एक जमीन खरीदी थी, एकदम से नोटिस आ गया कि वो जगह एयरपोर्ट के अंडर चली जाएगी। मामा जी को पहली बार रोते देखा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या तुम्हें पता है कि जमीन किससे खरीदी? श्याम। क्या बात है ज्योति? मैंने तुम्हें ये बात बताई इसके बारे में राधा को ना पता चले। फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। अपनी जासूसी से तो बाज नहीं आएगा ना? क्या बात है, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ए चाचा, ए तमीज से बात करो मुझसे। सुनो, कितनी बार तुम्हें समझाया था कि वो एयरपोर्ट वाली जमीन किसी को भी मत दिखाना, लेकिन तुम तो मानी नहीं ना। उस जमीन के कागजात बनवाकर सीधे कृष्णकांत जी को बेच दी तुमने। एयरपोर्ट को बढ़ाने का नोटिस मिलते ही वो पूरे परिवार वालों के साथ खुदकुशी करने की सोच रहे हैं, तुम्हें तो हाई लगेगी। अरे अकेले कोई सौदा नहीं किया है, इसे 60 लोगों ने मिलकर सौदा किया है। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, कृष्णकांत जी के बारे में बताओ। अगर हमारे स्टे ऑर्डर को एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं मानेगी तो हम कोर्ट में जाकर के अपील करेंगे। इनसे बात करने से मसला हल नहीं होगा। सुन गणेश। बोल भाई। फौरन जैसे भी राउत को फोन लगा। अभी लगाता हूं। अच्छा चाचा, पिछले साल गांव में घर बनाया था ना, कितनी लागत आई थी? 20 लाख। लेकिन तुम्हें इससे क्या? 20 लाख की लागत को 4000 में जमीन पर फर्श करके बिछा दूंगा। क्या मतलब? आधे घंटे जेसीबी का किराया 3000, पेट्रोल का 1000, टोटल हो गया 4000। तोड़ने के लिए कह दूंगा तो तोड़ देंगे। क्या बकवास कर रहे हो? जेसीबी वाले राउत साहब है क्या? अच्छा, उनसे कहिए कि 6 घंटे के लिए जेसीबी चाहिए मुझे। मेरा काम करवा दो, वरना जेसीबी से अभी घर टूट जाएगा। नया मकान बना है ना, उसी को तोड़ना है। अरे नए मकान को तोड़ने में और ही मजा आएगा। अरे बताओ मुझे क्या करना है? वो रोता हुआ परिवार सीधे खुश हो जाना चाहिए, वरना डीजल डाल के तैयार है। फोन कट करो भाई। देखिए साहब, आपने 2 साल पहले उस जमीन को 7 लाख में खरीदा था, हमें पता है। आज इसकी कीमत भले ही 10 लाख रुपए है, लेकिन हम आपको 8 लाख ही दे सकते हैं। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। इनके साइन ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप किसी मंत्री के पास गए होते तो कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन इन लड़कों के पास सेल फोन से इतने बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। बोलो राधा। वो जमीन वाला मसला हल हो गया, ओनर खुद ही आकर सेटल करके चला गया। किसी ने उनसे कहा था, समझ नहीं पा रही हूँ कि इस खुशी में क्या करूँ। एक काम कर, सिद्धिविनायक मंदिर चली जा, नारियल चढ़ा, दिल को सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा तुझे। ठीक है। आपने सही पहचाना, एमएलए साहब गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। नदी से बालू निकालने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपनी बेनामी कंपनी के नाम ले रखा है। आए दिन 2 से 3 गाड़ियों का परमिट निकाल कर 4-5 गाड़ियां निकाल रहे हैं। सारा बालू दमन से हैदराबाद जा रहा है, वो भी ट्रकों में भरकर, और हमारे पास सारे सबूत हैं। तहसीलदार हमारे साथ ही आए हैं। बुलाओ। बताइए साहब। नमस्ते साहब। ये सब क्या हो रहा है? राजनेताओं के सामने हमारी क्या हैसियत है साहब? सरकारी नौकर को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। हमारे जिले में नदी का पानी बिल्कुल नहीं आता, जिस वजह से खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब रह गई बात वहाँ के बालू की। अगर ये लोग बालू निकाल लेंगे तो क्या होगा? पानी कहाँ से आएगा? किसी भी नदी से बालू निकालना एक माँ की कोख को उजाड़ने के बराबर होता है। कहाँ है राजेश्वर? बेटा, अभी उससे पूछेंगे तो वो साफ साफ मुकर जाएगा। ये सब उसकी बेनामी कंपनी के नाम पर है। थोड़ा सब्र से काम लेंगे तो उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं।
ठीक है भाई, आपके लिए एक मैसेज आया है। क्या लिखा है? T for pocket mart, T for तड़ी पास, C for चोर, G for गुंडा लिखा है। किसकी इतनी जरूरत? फाइनल ईयर का अमन। कहाँ है अमन? कहाँ छुप के बैठा है? बाहर निकाल। कहाँ? अमन कहाँ है? बोल कहाँ है? बता। ए सारे लोग यहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, चलो 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 अगर किसी के इनबॉक्स में मैसेज मिला तो उसके कपड़े उतार के पूरे कॉलेज में घुमाया जाएगा। कहो ना ज्योति, किसका नंबर है ये? मैसेज करो मेरे नंबर पर, मैं उसे राधा को फॉरवर्ड करता हूँ, उसे डिलीट मत करना। क्या रही है, तेरा नंबर है? किसका मोबाइल बज रहा है? चेक करो, मुझे पता नहीं है, चल निकल यहाँ से। इसका मोबाइल चेक करो। बताओ बताओ जल्दी, तुम्हें किसने मैसेज भेजा था? राधा, तुमने मैसेज भेजा था? वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। 9824222268 ये किसका नंबर है? मुझे नहीं पता। मेरा नंबर है साहब, वो मैसेज मैंने भेजा था। सब लोग अपनी क्लास में जाओ, जाओ जाओ चलो जाओ चलो 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 चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं जाकर सच बता देती हूँ। अरे तू सच बताएगी तो और मुश्किल खड़ी हो जाएगी, चल यहाँ से। जानते हो कौन है ये? चाचा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गलती मेरी है। आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन निकल यहां से, हाथ मेरा। आओ श्याम चलो। क्या हुआ तुझे, क्या हो गया, तू चुपचाप मार क्यों खा रहा था? अरे मालिक आप देख रहे हैं ना, यहाँ आके क्या कर रहा है ये? इससे अच्छा तो गांव में रह के गांव का गोबर साफ करता, वहाँ कोई जलील तो नहीं करता। उससे क्या बोल रहा है, इसे वो मैसेज भेजने की क्या जरूरत थी? इसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन इसे आपको बचाना चाहिए था ना। गणेश चुप हो जा, तू मुझे दोस्त कहता, अच्छी दोस्ती निभाई तूने, बहुत अच्छा है। चुप कर यार, मार खाता हुआ देख के तू वहां चुपचाप खड़ा था। अरे लगाऊं क्या तुझे? एक तुझे बहुत मनमानी सूझी है ना, तो अभी मालिक को फोन करके सब कुछ बताता हूँ कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। फोन छीनने से बात नहीं खत्म होगी, मैं पीसीओ जाके कॉल करूंगा और मालिक को सब कुछ बता दूंगा। मैं इसलिए खामोश हूँ कि बात बढ़ेगी तो उस लड़की पर कोई मुसीबत ना आ जाए। और तू चिल्लाए जा रहा है, जान ले लूंगा तेरी। जान लेनी है तो ले ले, लेकिन मैं भी शहर छोड़ने से पहले उसे लाकर तेरे पैरों में नहीं गिराया ना तो मेरा नाम बदल देना। ये सब क्या है सर? उस टीचर ने सीधे कमिश्नर से शिकायत की है। टीचर की मैं बारात निकाल दूंगा। भलाई चाहते हो तो चुपचाप अरेस्ट हो जाओ, एक हफ्ते बाद ये फाइल इस टेबल से उस टेबल पे चली जाएगी और तुम्हें जमानत मिल जाएगी, वरना कमिश्नर साहब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, समझे? ठीक है, जो आप मुनासिब समझे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ज्योति, एक हफ्ते से सो नहीं पा रही हूं। मेरी गलती की सजा उसे मिली, ये बात कांटे की तरह चुभ रही है। जानती हो मैंने 4 बार सॉरी मैसेज भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि मुझे खुद उसके पास जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बेहतर है, माफ़ी मांगने जाएगी तो शुक्रिया भी बोल देना। शुक्रिया किस लिए? उस दिन जमीन के मालिक ने जो पैसे दिए थे उसके लिए मजबूर करने वाला और कोई नहीं श्याम ही था। उसी ने अपने मालिक से बात करके तुम्हारे पैसे लौटाने का इंतजाम किया था। राधा ये कहाँ खोई है? किन ख्यालों में हो? कुछ अच्छा ही सोच रही हूँ। श्याम से मिलकर माफी मांगने वाली हो? नहीं, मैं उसे हाँ कहने वाली हूँ। सच में? हाँ, उसकी मोहब्बत कबूल कर लूंगी। यूँ अचानक? हाँ, उसका अंदाज शायद गलत था लेकिन उसके किरदार ने मेरे दिल में जगह बनाई है, मुझे उससे मिलना है। देखो 6 महीने बाद वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, ऐसा उसने कहा था। उस रोज मैंने कैलेंडर देखा तो 1 अप्रैल थी, फूल्स डे। तो मुझे लगा कहीं श्याम को धोखा ना मिले, लेकिन तुमने अपना फैसला बदल कर बिल्कुल सही किया है। सुनो श्याम, सुलेमान आज जेल से रिहा हो रहा है, तुम यहाँ मत रुको, चले जाओ। बस दिल कहीं के, वो मेरे पास नहीं आएगा, वो उस मास्टर के पास जाएगा, उसे क्या जरूरत थी शिकायत करने की? कम से कम कोई तो मर्द है यहाँ पे। सुन जाकर देख कॉलेज में क्या हो रहा है। ए,
तू वाकई गुस्से में है या गुस्सा हवा का गुब्बारा है जो एक ही बार में ठुस हो जाता है? ए मास्टर, चल बाहर निकल। ए स्वामीनाथ, बाहर आ, बाहर निकल। क्या रे मास्टर, तूने शिकायत की? तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरी शिकायत करेगा? हाँ, तेरे कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता और तू दो टके का मास्टर मेरी शिकायत करेगा? तेरी तो देखिए, इन्हें कुछ मत कीजिए। तू इसकी बीवी है क्या? खामोशी से कोने में खड़े होकर तमाशा देख। और तेरी हैसियत क्या है रे? तू कोई लीडर है क्या? सुलेमान, पुलिस का खबरी बन रहा है तू? सुलेमान, मेरे बारे में जानता नहीं है क्या? सुलेमान, जाने दो, माफ कर रहे हैं। ये खुद को समझता क्या है? मेरी शिकायत करेगा? क्या कहा था, क्या कहा था तूने? मुझे गुंडा कहा था ना? ऐसे नहीं बोलेगा ना तू? देखिए जी, इन्हें तू एक काम कर, वहाँ जाके बोर्ड पे लिख दे कि मैं एक गुंडा हूँ। जा, लिख दे, जाना। नहीं 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 भाई, जा। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए भाई। अरे जा, इन्हें कुछ मत करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, इन्हें कुछ मत करिए। ये मेरे शौहर है, छोड़ दीजिए इन्हें, ये मेरे शौहर है। भाई, इन्होंने तो ब्लैक बोर्ड पर गुंडा लिख दिया। मुझे गुंडा कहेगा तू? सर, पुलिस को इन्फॉर्म कर दे क्या? एक तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, और जो कुछ कर रहा है उसे भी रोकने के लिए कह रहे हो। आधे घंटे के अंदर तुझे खत्म कर देंगे। बेटा, तुम यहां से चले जाओ, वो लोग लौट कर आएंगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे। यही है भाई, खत्म कर दे इसे। तेजेश्वर जी, ए रुक रहे, ए रुक जाओ। बाबा, बाबा, इसका मतलब ये तेजेश्वर जी का बेटा है। भाई गलती हो गई, भाई भाई गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अन्ना, तुम यहाँ कैसे? आखिर माजरा क्या है? इस कमजर्फ ने आपके बेटे के साथ मारपीट की और हमें फंसा दिया भाई। ए, माफी मांग रहे, माफी मांग, माफी मांग। भिड़ना भी हो तो किसके साथ भिड़ना है ये सोच कर भिड़ना। आइंदा से हमारे बेटे के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी की तो उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ भाई। ए, चल रे, चल निकल यहाँ से। भाई, आज के बाद से आपके बेटे से कोई नहीं उलझेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप बेफिक्र होकर के जाइए भाई, मैं सब देख लूंगा। अरे मुझे कहाँ फंसा दिया? तुमने कहा था कि किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, लेकिन वो तो तेजेश्वर का बेटा है। अगर जरा सी देर हो जाती ना तो इन सब के साथ साथ मेरे सर से भी गोली आर पार हो जाती भाई। आज के बाद से ये मामला मेरे सामने नहीं आना चाहिए, मैं जाता हूँ। 50,000 का फोन गया। मैंने जो भी सोचा था सब गलत निकला। वो इतना गुस्से वाला है, कैसे जंगली की तरह लड़ रहा था। मुझे पता नहीं था उसका खानदान ऐसा है। यार, तो ऐसा क्यों कह रही है? मेरा फैसला गलत था। बेवकूफों जैसी बातें मत कर। इस बात को मैं अपने तक ही रखूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसे एक ख्वाब समझूंगी। आँख खुली और सब खत्म हो गया।
इतनी सुबह सुबह यहाँ सब खैरियत तो है ना? राजेश्वर हैदराबाद के करीब 7 करोड़ की जमीन खरीदने वाले हैं। आज उसका रजिस्ट्रेशन है, हमें अभी अभी पता चला है। हैदराबाद और हुगली के बीच 120 एकड़ जमीन है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस। जी भाई बोलिए। मैं हैदराबाद में जमीन खरीद रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुँच जाओ। हाँ ठीक है भाई। ये लीजिए। अरे भाई साहब आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जमीन की रजिस्ट्री के लिए आया था। अच्छा, किसके पैसों से? तुझे एमएलए इसलिए बनाया ताकि तू लोगों की भलाई कर, लेकिन तू तो नदी के बालू को चुरा कर अपना घर भर रहा है। अरे भाई साहब किसी ने आपको गलत बताया है। जमीन कितने की है? 70 लाख की। 70 लाख की ना? जी भाई साहब। ए उस गाड़ी को रोको। भाई ये आप लोगों का निजी मामला है, हमें इससे दूर रखिए। कुल रकम 7 करोड़ 30 लाख रुपए है, हमारा खानदान बड़ा है, इस रकम से हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। भाई देखिए हमारे हाल पर रहम कीजिए। हम आपकी अमानत को उंगली भी नहीं लगाएंगे, लेकिन जब तक ये परेशानी खत्म नहीं होती तब तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये रखो। आप बोलो ये 7 करोड़ कहाँ से आए, कौन सी जायदाद में हिस्सा मिला, कहाँ दबा कर रखा था ये? वो मैंने अपनी बीवी के कुछ जेवर बेचे, उन्हीं पैसों से खरीद रहा था। ओहो, तो तुम्हारी बीवी इतना सोना लेकर आई थी? देखिए भाई साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? एमएलए मैं हूँ या आप हैं? आपके हर सवाल का जवाब देना पड़ता है, पार्टी चलाने के लिए घर से पैसा लगाना। मेरी एक आवाज पर 50,000 लोगों ने तुझे एमएलए बनाया है, अब मैं उनके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मालिक आप गुस्सा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बाबा मैंने सब कुछ सुन लिया, इसके लिए एक तरीका है। बोलो क्या है? लोगों के पैसों से ली गई जमीन ये अपने हाथों से लोगों को दान में दे सकते हैं। क्या ये हो सकता है? जी हाँ ये मुमकिन है, इसके लिए स्टैंप ड्यूटी भी कम है, अभी कागज तैयार हो जाएंगे। ठीक है चाचा, मैं जो कह रहा हूँ वो टाइप कीजिए ना, 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर। बेटा ये लो। गांव शिवगंगा, मेरा नाम है राजेश्वर, उम्र है 46 साल, मैं अपनी सारी जायदाद यहाँ के लोगों को दान में दे रहा हूँ। इस सब के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है और ना ही किसी की कोई जोर जबरदस्ती, मैं अपनी खुशी से ये दान कर रहा हूँ, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अरे चल चल निकल। पेपर तैयार है? अंदर जाकर साइन कर दो वरना जेल के सलाखों के पीछे सड़ोगे। जाओ। राजेश्वर जब से तुम लोगों के हक को मारने लगे उसी वक्त से तूने एमएलए की कुर्सी को भी खो दिया। 15 दिनों के अंदर तुम्हें इस्तीफा देना होगा और नए चुनाव भी कराना होगा। मेरी बात पूरी नहीं हुई? नया चुनाव तेरे इस्तीफे के बाद ही होगा, वरना तुम्हारी मौत के बाद होगा। जा। क्या बात है भाई, 4 दिनों से आप यहीं पर हैं, दीदी बार बार आपको पूछ रही हैं। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं? उसने मुझे थप्पड़ मारा ये बात पूरे गांव में फैल गई होगी, इज्जत मर्यादा और जो सरमाया था सब कुछ चला गया, और तो और उसके बेटे के शातिर दिमाग से मेरी सारी जायदाद चली गई। उसके बेटे को मारे बिना अगर गांव में गए तो मेरी बीवी भी मेरी इज्जत नहीं करेगी। अन्ना को बुलाओ। अन्ना कल हम पार्टी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उस तेजेश्वर के बेटे को खत्म करना है। भाई ये काम मुझसे? मैं तुमसे करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बाहर से लोगों को बुलवा रहा हूँ, तुम बस वहाँ बैठकर तमाशा देखना, बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। जी भाई, लगता है ये पागल हमें तेजेश्वर भाई से मरवा के ही दम लेगा, हर हाल में हमें सुबह यहाँ से निकलना ही होगा। सुनिए, हैदराबाद के रजिस्ट्रेशन दफ्तर में अन्ना आया था, मुझे देखकर उल्टे कदम लौट गया, अपने लड़कों और उसके आदमियों में दुश्मनी है। अन्ना राजेश्वर के रजिस्ट्रेशन में किस लिए आया था इस बात पर मुझे शक हो रहा है। मालिक कहिए। मालिक श्याम और सुलेमान के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ वो था? मालिक तूने मुझसे बहुत कुछ छिपाया है, आप चुपचाप सुन क्या रहा है? ये जानबूझकर किया गया है या अंदर की कोई और बात है? जब उसने उसके मुंह पर चाय मारी थी तो उसी वक्त हाथ क्यों नहीं काटा? आपने तो कहा था किसी तरह के झमेले में मत पड़ना। बेशक सारी गलती मेरी है, मेरा बेटा मेरी वजह से इतना कुछ सह गया, पहले इस अन्ना से निपटते हैं। भाई ये अचानक से हम कहाँ जा रहे हैं? अबे तू दिमाग मत चला, बेटे को कुछ हो गया तो उसका बाप हमारी गर्दन काट डालेगा। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर।
हाँ बोलिए भाई। कहाँ हो उस वक्त? हाईवे पर हूँ, कोई खास बात? मैं फोन काट रहा हूँ, तू वहाँ के लैंडलाइन से कॉल कर मुझे। लैंडलाइन जानना चाहता हूँ कि इस वक्त तू अपने गांव में है कि नहीं। अभी अभी यहाँ से निकले भाई। फिर झूठ बोल रहा है तू? पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है भाई। उस राजेश्वर ने आपके बेटे को मारने के लिए कुछ लोगों को बाहर से बुलाया है भाई। क्या कहा तूने? आपको नहीं पता भाई? अगर मेरे बेटे को एक खरोच भी आई तो सुन ले, हैदराबाद के एक एक गुंडे को काट कर रख दूंगा। जल्दी से जल्दी पहुंच। बेटा इस समय कहाँ पर हो? मैं म्यूनिसिपल दफ्तर आया था बाबा। कोई करीब में कोई पुलिस स्टेशन है? हाँ पुलिस स्टेशन तो करीब में ही है। वहाँ पहुंचकर फौरन इंस्पेक्टर से मेरी बात कराओ। बात क्या है बाबा? बारिया कहाँ हो तुम? भाई साहब क्या बात है? लेकिन वो तो पुलिस स्टेशन पहुंचा ही नहीं। अपने लड़कों से कहो फौरन उसकी तलाश करें। बोलिए भाई। हैदराबाद में अपने लड़कों से मेरे बेटे की तलाश करवाओ। जी भाई। सुलेमान ए चले जल्दी चल। हैदराबाद का चप्पा चप्पा छान मारो, जल्दी जाओ। उसे अगर कुछ भी हुआ तो हमारी मौत पक्की है। ए, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ देखो, कुछ खबर मिले तो बताना मुझे। अरे उसे पकड़, हमारे आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे छोड़ दी? तभी तो भाग डालूंगा सबको, भागता यहाँ से भाग। रोटी रोटी कर दूंगा तुम लोगों के, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ अच्छा, हाँ बेहतर बेहतर। बेटा तुम्हारा बेटा मार कर आया है, मार खाकर आता तो अफसोस वाली बात होती। हमारा बेटा हमेशा इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था, लेकिन दुश्मनों ने उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। देखो अन्ना, वारदात के वक्त जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सभी ने फोन पर वीडियो बनाया है, शाम तक सारे अखबारों में सुर्खियों में नजर आएंगे, रिमांड तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप ये लिखें इंस्पेक्टर साहब किसने अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाया था, और ये भी लिखें कि इसने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया, तभी बेल मिल सकती है आसानी से। हमने बहुत कोशिश की लेकिन 15 दिनों के रिमांड पर लेना ही पड़ेगा, ऐसा इंस्पेक्टर का कहना है। भाई हमारे 3-4 लोग अंदर पहले से ही हैं, वो आपके बेटे का ख्याल रखेंगे। तूने हमसे बहुत कुछ छिपाया। हम राजनेताओं के भरोसे हैं, हमारी भी मजबूरी है, हमें माफ कर दीजिए। चले जाओ यहाँ से। राजेश्वर कहाँ है? राजेश्वर मीटिंग के लिए दिल्ली गए हुए हैं।
गाड़ी का रुख जिले की तरफ मोड़ो। जी। जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसे वहीं काट देना। बाबा परेशान मत होइए, वरना उसे अपनी साजिश कामयाब होते नजर आएगी। फिलहाल आप घर जाइए, इस बारे में बाद में सोचेंगे। साहब टाइम हो गया है, कोर्ट लेके जाना है। हमारा बेटा नहीं आया, कहाँ है वो? उसे जेल में डाल दिया, यही दिन दिखाने के लिए उसे शहर भेजा था क्या? अंदर अरे, अरे मेरे मालिक, मेरी कोख उजड़ गई, मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। मेरा बच्चा। चलिए बेटी। जिस रोज से उसने मेरे बेटे को मारने की साजिश रची, उस रोज से उसने इस गांव के साथ ही नहीं हमारे साथ भी धोखा किया। जिस रोज इस गांव में वो कदम रखेगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भाई तेजस्वर के बेटे को मारने के लिए हमने आदमी भेजे थे, ये उसे पता चल गया है। अब अगर हम गांव गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मंत्री का मसला लंबा ही खींचता जा रहा है। सबसे पहले इस होटल को खाली करके एमएलए हॉस्टल में चले जाओ, ठीक है? तुम भी जाओ। शाम के बिना गांव जाऊंगा तो लोग मुझे जान से मार देंगे। मैंने पी रखी है और ऐसी हालत में गाड़ी चलाकर जाऊंगा तो पुलिस पकड़ लेगी, धकेल के ले जाता हूँ। रुक रुक रुक। अरे बोसुगा। ए सही से बजा, सही से। सही से बजाऊं, ये ले। मजा आया कि नहीं टकले? मजाक करता है, एक तो शराब पी रखी, ऊपर से पी रखी है। हर गली में शराब की दुकान खोल रखी है, वो हमें आवाज लगा लगा कर शराब पीने के लिए कहते हैं, बाद में सारे पैसे छीन लेते हैं। गाड़ी यहाँ छोड़ के तो नहीं जा सकता हूँ ना, उसे अपने साथ तो ले जाना ही पड़ेगा। एक काम करिए, सारे शराबियों के लिए बस का इंतजाम करिए, ताकि हम सब आराम से शराब पी करके बस में बैठ के घर चले जाए। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, शराब पी कर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, लेकिन धकेल के तो ले जा सकते हैं ना। अरे गाड़ी धकेल के ले जाना गलत नहीं है, दूसरे की गाड़ी ले जाना गलत है। आई बात समझ में? अरे तू हमारे साथ की गाड़ी लेकर भाग रहा था। श्याम भाई आ गए, मालकिन से बुलाओ। सामने की तरफ सर करके बैठो बेटा। अच्छा बैठो बेटा। माँ तुम सबके चेहरे से लटके हुए क्यों हैं? मेरा आना पसंद नहीं आया क्या? आपके आने की खुशी में माँ कुछ कह नहीं पा रही भैया। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो माँ? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? अरे माँ सर पर इतना सारा पानी डाला लेकिन सर पोंछने के लिए एक कपड़ा भी नहीं दिया। चलो चलो माँ चलो। सुनो लक्ष्मी अंदर जाना, तोहफा और मुबारकबाद देना और फौरन आ जाना, ठीक है? आप नहीं आ रहे हैं क्या? तेरी सहेली की शादी है, मैं क्या करूँगा? अगर बाबा को पता चला कि मैं अकेले गई थी तो बहुत नाराज होंगे। चलिए ना भैया। तुम कब जा रही हो? सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, इसलिए आज माँ के साथ रहकर कल चली जाऊंगी। आओ बैठो 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 बैठो। भैया वो पीले कपड़े वाली लड़की कैसी है? बहुत बुरी है, क्या बात है? और वो ब्लू दुपट्टे वाली? तुम पागल हो गई हो क्या लक्ष्मी? भैया हमारी जात की यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं, अगर आप इनमें से किसी एक को पसंद कर लेते हैं तो मैं माँ को बता दूंगी और माँ बाबा को बता देंगी और फिर आपकी शादी हो जाएगी। क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है? 25 साल में शादी खुदकुशी, 28 साल में कत्ल करने की कोशिश, 32 साल में कत्ल, मतलब तुम मेरा खून करवाना चाहती हो? तो 24 साल की उम्र में शादी, मतलब कुएं में कूदना, और 23 साल में जहर पीना है, और 22 में फांसी पर चढ़ाना है, और लव मैरिज करना, वो तो जन्नत है। 24 घंटे घर में नजर बंद। भैया आप एक बार उस लड़की को देखिए ना, वो कितनी खूबसूरत है ना। भैया देखिए तो सही ना एक बार। आप ऐसे चल गए, पसंद है क्या आपको? भैया बोलिए ना, पसंद है ना? मैं अभी पता लगा कर आती हूँ, आपकी खुदकुशी की तारीख तय करके आती हूँ।
अप्रैल महीने की एक तारीख तक इंतजार कर लो, उसके बाद ही बताऊंगा। किसी से मोहब्बत हो गई है? एक लड़की के जवाब का 6 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं वो राजी होगी भी या नहीं। है क्या बात है, तहसीलदार और पुलिस एक साथ आए हैं? पता नहीं कौन लोग आ रहे हैं। एमएलए की गाड़ी आ रही है। क्यों भाई साहब, देखकर चौंक गए? सोच रहे हैं कि आपके सामने हाथ बांध कर खड़े होने वाला मंत्री कैसे बन गया? मंत्री रामप्रसाद को हटाने के बाद उसी कोटे से किसी और को मंत्री बनाने का फैसला सीएम ने किया, इसीलिए मैं मंत्री बन गया। मंत्री इसलिए बना क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला। राजभवन में कसम खाने के बाद मैं वहाँ सीएम साहब से भी मिलने नहीं गया, सीधे फ्लाइट पकड़कर शहर में उतरा और वहाँ से हेलीकॉप्टर से सीधे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस रोज तुमने ये नहीं सोचा कि मैं एक एमएलए हूँ और तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। उस बेइज्जती का बदला लेने मैं यहाँ आया हूँ। ए! मिठाइयों में सबसे बेहतरीन काजू कतली और ओहदे में मंत्री, इस ओहदे की बदौलत हम क्या क्या कर सकते हैं देखना चाहोगे? उस दिन 120 एकड़ जमीन खरीदी थी तो बहुत बवाल मचाया था। अगले 6 महीनों में पूरे राज्य में 1200 एकड़ जमीन खरीदने वाला हूँ, देखता हूँ क्या कर लोगे तुम। क्या कहा था तुमने उस दिन? कि अगर मैंने खुद अपनी सीट नहीं छोड़ी तो उस सीट को खाली करवाने के लिए तुम मेरा कत्ल करवा दोगे। आज मैं इस राज्य के सभी विधानसभाओं के इलाकों का मंत्री हूँ, क्या कर लोगे तुम मेरा? बोलो क्या कर लोगे? ए, अब देखना इसी जगह सबके सामने मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा और उसके बाद तुम्हारा सर काट डालूंगा। मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद, मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद, मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद। भाई आपसे मिलने के लिए तेजस्वर का बेटा आया है। कितने लोग हैं उसके साथ? अकेला ही आया है। आने दो उसे। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में मुझसे क्या बात करोगे? जो कहना है सबके सामने कहो। जब मैं अकेले यहाँ तक आया हूँ वो भी बिना किसी खौफ के, तो फिर आप क्यों घबराए? चलो निकलो सब यहाँ से, जाओ सब यहाँ से। मैं डर रहा हूँ क्या? हाँ बोलो क्या कहना है तुम्हें? मिठाई में काजू कतली और ओहदों में सबसे बेहतर होता है मंत्री, यही कहा था ना? आप एक बात जानते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने देखा है परचून की लिस्ट में भी मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल सब किलो के हिसाब से ही ली जाती है, लेकिन सिर्फ काजू ही 100 या 200 ग्राम के हिसाब से लिए जाते हैं। एक दो लेते इतना कम है और खीर में भी थोड़ा सा ही डालते हैं। ज्यादा खरीदने से पैसा बर्बाद होता है, ज्यादा खाने से तबीयत खराब होती है, यही हाल मंत्री का भी होता है। अगर मैं अपने पर आ गया ना, या तो रोड पर खड़ा होना पड़ेगा या फिर कोर्ट में। लोगों को हमेशा मैंने अपने बाबा के पीछे खड़े होते हुए देखा है, आज पहली बार है मैंने किसी को अपने बाबा के सामने खड़े होकर उन्हें ललकारते हुए देखा है, और फिर जान से मारने की धमकी देते हुए भी। सुनकर बहुत तकलीफ तो पहुंची है, अब मैं तुझे ललकार रहा हूँ। आज से 30 दिनों में अगर तूने मेरे बाबा का सिर नहीं काटा तो मैं अपने खानदान के साथ तेरे पैरों पर गिर जाऊंगा, और अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे बाबा तेरे पैरों पर आकर गिर जाएंगे। क्या कहा? क्या कहा तूने? अगर तूने मेरे बाबा का सिर नहीं काटा तो हम अपने खानदान के साथ तेरे सामने झुक जाएंगे, और अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे बाबा तेरे पैरों पर आकर गिर जाएंगे। इसका मतलब है मैं तेरा सिर यकीनन काटूंगा। आज मैं मंत्री हूँ बेटा, लेकिन तेरे बाबा आज भी वही तेजेश्वर हैं। ललकार कबूल है या नहीं? 30 दिनों में मैं तेरे बाबा का सिर काट डालूंगा। देखते हैं कौन क्या करता है। इसका मतलब है जैसा मेरे बाबा ने कहा था वैसे ही शिवगंगा में फिर से जल्दी चुनाव होने वाले हैं। चलता हूँ। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। हाँ
इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे क्या हुआ? देखकर नहीं चल सकती क्या? जानबूझकर गिरी थी। अरे चुप, पागल हो गई हो क्या? जरूरी काम से बाहर जा रहा था, मूड खराब कर दिया। लोग कहते हैं अप्रैल फूल वाले दिन सिर्फ एक बार बेवकूफ बना जाता है, दूसरी बार नहीं। इसलिए जिस उम्मीद से जा रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। भैया ऑल द बेस्ट। चल टॉमी, मैं तेरी भाभी से मिलने जा रहा हूँ। ऊपर वाले से दुआ करना कि भाभी मान जाए। हाँ फिक्र मत कर, अगले साल तेरे भी शादी करवा दूंगा। क्यों बेटा, इसे कौन लड़की देगा? अरे भैया, इसे किसी लड़की की जरूरत है ही नहीं। अच्छा? हमारे जिम्मी ने तो गांव की कई लड़कियों को सेट कर रखा है। अरे क्या कह रहा है तू? और नहीं तो क्या, जहाँ कहीं भी गेट खुला मिलता है किसी भी लड़की को मना कर नदी के पास ले जाता है। अच्छा? किसी भी रंगे हाथ पकड़े गए ना तो HMV के रिकॉर्ड से तुम्हारी फोटो हटा कर किसी दीवार पे टांग दी जाएगी और उस पे माला चढ़ा दी जाएगी। इसे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? क्या श्याम, आज गाड़ी लेकर कहाँ चल दी है? आज राधा से मिलना है इसलिए आया हूँ। राधा कैसे मिलेगी, अभी तो कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं। बोलो श्याम। ज्योति तुम कहाँ हो? मैं अपने गांव में हूँ। और राधा? हाँ ज्योति बोलो। श्याम ने फोन किया था मुझे, वो तुमसे मिलने आ रहा है। खुद को बड़ी अकलमंद समझती हो, इस तरह से चली जाओगी तो परेशानी कम हो जाएगी क्या? तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो सुन, ज्योति और राधा दोनों हैदराबाद आ रही हैं, दोनों बस में सवार हैं। मुझे उस बस कंडक्टर का नंबर चाहिए। ठीक है अभी करता हूँ। हेलो कौन? मैं शाम बोल रहा हूँ, हैदराबाद के लिए आपकी बस में दो लड़कियाँ बैठी हैं। हाँ बैठी है ना। मैं राज सागर के पुल के नीचे बैठा हूँ, तो उन दोनों को नीचे उतार देना। हाँ ठीक है भाई। सुनिए श्याम भाई, नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप लोग नीचे उतर जाइए। आप नहीं उतरेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ जबरदस्ती उतरवाने के लिए माफी चाहता हूँ। जब तुम वापस हैदराबाद चली गई तो मुझे लगा कि तुम वाकई कश्मकश में हो। तुम अपने दिल की बात बता देना। अगर तुम कहोगी कि जाओ और अगले 6 महीनों के बाद आना तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जिस रोज तुमने उन गुंडों से मेरे लिए मार खाई थी उसी रोज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन उस रोज तुमने जब कॉलेज में उन गुंडों को मारा, उस रोज मुझे बहुत ठेस पहुंची। तुम्हारे बाबा को इतने सारे लोगों के साथ तलवार लेकर आता देखकर मेरा खून ठंडा पड़ गया, मुझे नफरत सी होने लगी। जिस रोज मैंने पढ़ा कि तुमने 4 लोगों को पीटा है और तुम्हें जेल हो गई, तो मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल से ना तो मिटा पा रही हूँ और ना ही जाहिर कर पा रही हूँ, बस दिल ही दिल में घुट रही हूँ। मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि हंसूं या रोऊं। मेरे बाबा ने मुझे हैदराबाद इसलिए भेजा था ताकि मैं इस माहौल से दूर रहूं, लेकिन जब मैंने गुरु को बेइज्जत होते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। दुनिया में सबसे अफसोस की बात है एक उस्ताद का अपने शागिर्द के सामने जलील होना, बस इसलिए मैं बेकाबू हो गया। अगर उस रोज मैं उन गुंडों को नहीं मारता ना तो वो लोग मुझे मार देते। एक चूहा भी अपनी जान बचाने के लिए किसी से लड़ बैठता है, क्या मुझे अपनी जान बचाने का कोई हक नहीं है? ये सारी बातें मेरी माँ को ना पता चले। क्यों, मुझ में कोई बुराई है? तुम में कोई बुराई नहीं, लेकिन तुम्हारा माहौल खराब है। मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम सब कुछ छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ से मतलब किसे, माँ बाबा को या अपनी बहन को छोड़ दूं, रिश्तेदारों को या अपनी पैदाइशी जगह को या उस मालिक को जिसके सहाय में हम जीते हैं? किसे छोड़ने के लिए कह रही हो? अपने बाबा को। ए! मेरे बाबा के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। तुम्हें अंदाजा भी है वो कौन है? छोटी दुकानों पर मार पीट करके गांव के मेले में लड़ाई होने के बाद नदी के पास कत्ल होने के बाद पुलिस ने 6 महीनों तक तहकीकात की और फिर उन्हें 5 साल की सजा हुई। उसके बाद उनका परिवार सड़क पर आ गया। तुम्हें उनके माजी के बारे में क्या पता है? गांव में जब भी कोई छोटी मोटी लड़ाई होती है तो बाबा उन्हें बुलाकर दोनों ग्रुप में सुलह करवाते हैं और किसी के साथ भी ना इंसाफी ना हो इतने इंसाफ पसंद है मेरे बाबा। हथियार उठाने वाले हर इंसान बुरे होते हैं, अगर ऐसी बात होती तो वो सारे जाबा सिपाही जिन्होंने आजादी के लिए हथियार उठाए वो क्या गलत थे? दूसरों पर जुल्म करना गलत होता है, लेकिन जालिम का जुल्म खत्म करना गलत नहीं है। सुना है प्यार के लिए कुछ भी छोड़ देते हैं, लेकिन माँ बाबा को छोड़ दो कहने वाली लड़की तुम ही होगी। बस एक साथ रहने को परिवार कहते हैं, जुदा होकर जीना कोई जिंदगी नहीं होती। जैसे तुम्हें तुम्हारी माँ प्यारी है, वैसे ही मुझे मेरे बाबा जान से ज्यादा प्यारे हैं। तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए बच गई तुम,
अगर यही बात किसी और ने की होती ना तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। मुझे इनकार करने के लिए तुमने कोई दूसरी वजह बताई होती तो मैं मरते दम तक तुम्हें याद रखता, लेकिन मुझसे दूर जाने के लिए मेरे बाबा की याद लिए उसी पल में तुम्हें भूल गया। राजेश्वर आओ दोस्त आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहाँ शिव गंगा में अचानक मेरा ट्रांसफर हो गया, कोई खास वजह? एक छोटा सा मसला है। मुझे क्या करना है? उस तेजेश्वर को गिरफ्तार करके एक दिन के लिए सलाखों के पीछे डाल दो, फिर अपने लोगों की मदद से मैं उसका किस्सा वहीं खत्म कर दूंगा। जेल ले जाने से पहले 2 मिनट के लिए हमारी मुलाकात करवाना, उसके मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। वो किस लिए? बिल्कुल ऐसे ही उसने मुझे बेइज्जत किया था, इसलिए। वो इस इलाके की ऊंची शख्सियत है, उन्हें ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हैदराबाद शहर के करीब जाली नोट चलाते हुए हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। उसने शिवगंगा के एक आदमी का नाम बताया, उसके पास 1,00,000 रुपए के जाली नोट है। वो मामला हमारे पास आया है, जब हमने सख्ती से तफ्तीश की तो उसने मुझे तेजस्वर का नाम बताया। जाली नोटों का काम चलाने वाला कोई और नहीं, तेजस्वर है, ऐसा हम कहेंगे और उसके घर से 10 लाख के जाली नोट बरामद करेंगे। ये प्लान है या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए कह रहे हो? उसके घर में जाली नोट कहाँ से आएंगे? इतनी बड़ी सल्तनत है, आपका इतना ऊंचा मुकाम है, इतने सारे लोग हैं, आप इतना सभी काम नहीं कर सकते क्या? हे 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 हे, क्या खूब बात कही, दिल खुश हो गया। कहाँ थे तुम? किसने किसका पत्ता काटा? पता नहीं यार, रुको मैं अभी आता हूँ। हाँ कहिए सर। तुम्हारे घर शिवगंगा से DSP सर्च वारंट के साथ एक टीम लेकर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है हमें अंदाजा नहीं है। ये राजेश्वर की ही हरकत होगी, वो अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा रहा है। ये अपने आप नहीं गिरा है, तोड़ा गया है। हाँ श्याम, श्याम वहाँ देखो, चलो ऊपर चल के देखते हैं। कल रात जरूर हमारे घर कोई आया था, कुछ लेकर तो नहीं गया लेकिन कुछ रखा जरूर है। हर कोना तलाश करने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, उससे पहले पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। आप एक काम कीजिए, घर बंद करके राइस मिल चले जाइए, 2 घंटे बाद आइएगा। ठीक है बेटा। पुलिस कुछ बुढ़िया, ये घर क्यों बंद है? बहू मायके गई है और बेटा मिल पर गया है, आते ही बता देंगे। जरा तकिए में तो देखना। अरे इसमें कुछ नहीं होगा यार, उतारो ना नीचे। क्या बात है, आप लोग यहाँ पर? देखना अंदर क्या है इसके। हाँ हाँ, अरे इसमें तो नकली नोट है। मेरे घर में नकली नोट, ये आपसे किसने कहा? आपको बताना जरूरी नहीं है, हमारे पास सर्च वारंट है। ये तो नकली नोट है, चलो चलो आइए सर, देख लीजिए। कोना कोना तलाशो, चप्पा चप्पा छान मारो, वहाँ भी देखो। जी ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए। तकिए तो आप ऐसे देख रहे जैसे आपको पहले से ही जानकारी हो। ए, कुछ हाथ लगा क्या? वक्त बर्बाद हुआ। अरे इतने लोग अंदर कैसे आ गए? क्या बात है, पूरा घर छान लिया लेकिन कुछ हासिल नहीं पर हुआ। गिरफ्तार तो कर सकते हो ना? बेवजह गिरफ्तार नहीं कर अरे सकते। कुछ भी करो, किसी बहाने उसे गिरफ्तार करो, उसे थप्पड़ मारने के लिए हमारे हाथ बेचैन हैं। देखिए तेजस्वर साहब, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। किस लिए? आपके घर सर्च करने के लिए आए थे लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा ये लिखकर देने के लिए। अरे कैसे है DSP साहब, कोई नया कानून आया क्या जो आप किसी को भी बिना वजह पुलिस स्टेशन ले जाएंगे? क्यों लेकर जाएंगे, कानून की किताबें हमने भी पढ़ी है। आपको माफीनामा लिखकर देना होगा कि तलाशी में आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है? और कानून भी यही कहता है, इन्हें गिरफ्तार किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये नामुमकिन है सर, इन्हें गिरफ्तार करके आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते। गिरफ्तार करेंगे। अरे कितनों को गिरफ्तार करेंगे? क्यों किसी के कहने पर आए हो? सब लोग वीडियो बना रहे हैं। बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो। ये तो कुछ भी नहीं है, जरा वहाँ नजर घुमाएंगे। इसमें क्या है जानते हैं, जब से आप आए हैं बात की, अंदर दाखिल हुए फिर बाहर आए और ये कहा कि कुछ नहीं मिला, फिर भी जबरदस्ती मेरे बाबा को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब मैं आपका ये वीडियो चीफ मिनिस्टर को भेज दूंगा, फिर बदले में आपको एक मैसेज आएगा कि इसी वक्त आपकी मुलाजमत छीन ली जाती है। क्या हुआ, हड्डी अटक गई? आपका फोन बज रहा है, काम हो गया क्या? यहाँ सारा का सारा गाँव इकट्ठा हो गया है और हर कोई वीडियो बना रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। संभल कर जाइएगा DSP साहब, हमारे गांव के लोग मेहमानों की ऐसी खातिर तवाज़ो करते हैं। अरे वो मुझसे डरकर झूठ बोल रहा है, छोड़ो उसे। नहीं सर, ये सच कह रहा है, हम इसे जानते हैं, ये बहुत शातिर है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। अरे अकल के दुश्मन, तुम एक चोर की तारीफ कर रहे हो, अपनी वर्दी दे दो इसे। अरे तेजस्वर का बेटा बड़ा हाल लेकर आ रहा है। रुको रुको रुको, जाओ जाओ।
मंत्री जी को हार पहनाना था। वही समय बहुत बिजी है, हर किसी से नहीं मिल सकते। सामने ही तो खड़े हैं हमारे प्यारे मंत्री जी। एक मामूली एमएलए से मंत्री बन गए, इसलिए हमारे गांव के लोग आपके मान सम्मान में आपको हार पहनाना चाहते हैं। कामयाब होने से पहले आप इनके गली कूचों में जाकर वोट मांग रहे थे ना, वही लोग आपका इंतजार करे तो अच्छा नहीं लगता ना। उन्हें ऊपर आने दें। ए, पिस्तौल भरी हुई जी है। हाँ। बेहतर। वो जो कुछ भी करेंगे मैं उसका वीडियो बना लूंगा। हाँ हाँ बनाओ बनाओ। हमारे प्यारे मंत्री जी, तालियां तालियां। मंत्री जी क्या बात है, आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं, मानो कोई हसरत अधूरी रह गई हो आपकी। मंत्री जी को पूरे राज्य के फिक्र खाती है ना। ए, ये ताली है या गाली? अरे बस करो बस करो। लोगों को खुशी मिल गई, अब हम चलते हैं मंत्री जी। डीएसपी साहब आपका कैमरा ऑन है, बैटरी खत्म हो जाएगी, बंद कर दीजिए। प्यारे मंत्री जी। अरे अतुल घास चढ़ने गई है, एक वीडियो बनाने के लिए कहा वो भी नहीं बना सकते, उन्हें भी पता चल गया कि तुम वीडियो बना रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारे जैसे डीएसपी पर थू। मालिक आपके लिए फोन है। क्या सोच रहे हो, तुम्हारे फोन पर ना करके दूसरे फोन पर क्यों कॉल किया? अगर तुम्हारे फोन पर बात करूंगा तो तुम रिकॉर्ड कर लोगे और हमें फंसा दोगे। हमारे बाबा भी आज तक चप्पल पहनकर घर में दाखिल नहीं हुए और तुमने पुलिस वालों को जूतों समेत पूजा घर में भेज दिया। क्या कर लेगा तू? हमारे घर में तुमने जो 4 लाख भेजे थे ना, कड़क कड़क नोट हिफाजत से तुम्हारे घर पहुंचा दिए गए हैं। तुम पूछ रहे थे ना कि ये ताली है या गाली, वो असल में एक सिग्नल था कि काम हो गया है। तुमने हमारे घर पे रियासत की पुलिस भेजी थी ना, लेकिन तुम्हारी बारात का बैंड सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो वाले बजाएंगे, सवालों से तेरी पतलून गीली हो जाएगी। बहुत ज्यादा उड़ रहा है तू। वो लोग तेरे घर के लिए निकल चुके हैं, तलाश कर सकता है तो तलाश ले। घर में जाली नोट है, जल्दी तलाश करो, जल्दी जल्दी। अरे अरे जल्दी करो जल्दी करो। कहाँ फंसा दिया? अरे अरे जल्दी करो, क्या जल्दी करो, ऊपर जाओ जल्दी। देखो जल्दी ढूंढो उन्हें। क्या हुआ मंत्री जी, अब तक तो तुम्हारा मकान कबाड़ खाना बन गया होगा, लेकिन छोटी सी गलती हो गई, जाली नोट तेरे घर में नहीं, घर के बाहर सफेद कार में है। सफेद कार में है नोट। अरे पीछे देखो, पीछे नीचे देखो, नीचे। अबे क्या कर रहा है, जल्दी कर। तुम लोग खड़े क्यों हो, गाड़ी को पलट दो, पलट दो। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी करो। अरे क्या शराफत से बोल, पैसे कहाँ हैं? इतनी भी क्या जल्दी है, जैसे लोग पत्नियों से छुपा कर जहाँ पर रखते हैं ना, वहीं पर रखे हैं। ए, हेलो, ए, बीवियों से चीजें छुपा कर कहाँ रखी जाती हैं? चुप भाई, दूसरी वाली के पास आओ। भाई खेत में भाई कहीं तो मंत्री जी स्टेपनी में देखना चाहिए। हाँ जल्दी करो, स्टेपनी में। अरे जल्दी ढूंढो। अरे जी पा गए, निकलो यहाँ से जल्दी। नमस्ते साहब, हम लोग नगर पालिका से आए। हमें कॉल आया था कि मंत्री जी के घर बहुत मच्छर आ गए हैं, इसलिए दवा छिड़कने आए हैं, बताइए कहाँ छिड़के अच्छा, दवा? ऐसा क्या, अभी अभी हमारी गाड़ी को हजारों मच्छर पलटकर उस तरफ चले गए, वहाँ जाकर छिड़का। सुनिए सर, हमने सीबीआई या एंटी करप्शन को कोई कॉल नहीं किया था, मैंने म्यूनिसिपैलिटी वालों को कॉल किया था, मुझे लगता है कि उनकी दवा से बेकसूर मच्छरों को नहीं मारना चाहिए, तुम्हारे जैसे गुनहगार को पिलाकर खत्म कर देना चाहिए। और एक फोन गया। कच्ची उम्र का है लेकिन बुरी तरह तंग कर दिया उसने मुझे। एक खूबसूरत लड़की जब खुद बात करने आई है तो कोई जरूरी काम ही होगा, तुम जाके आराम से बात करना। कहो किस लिए बुलाया, क्या हुआ? क्या तुम मुझे अपनाओगे? इसी वक्त मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अचानक इतना बड़ा फैसला? मैं सच कह रही हूँ, उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम मुझे भूल जाओगे तब से तुम्हारी याद मुझे बहुत सताने लगी है। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे गुंडे मवालियों से मार काट से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम इनकार मत करना। इस साल हमारे गांव के मेले में फिल्मी सितारों को बुलाने की सोच है, आप लोग बताएं हमें किसे बुलाना चाहिए, बोलिए। खामोश हो जाइए, खामोश। अगर आप लोग कहें तो मैं शाहरुख खान को जानता हूँ, उन्हें बुला सकता हूँ। 30,000 रुपए लगेगा। 30,000 किस लिए? हवाई जहाज के टिकट के लिए। आपको कौन सा वाला शाहरुख खान चाहिए ये बता दो बस। ये लो 10,000 रुपए एडवांस। जी ऐसा शाहरुख खान लाऊंगा कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। आप लोग बस ये बताइए कि शाहरुख की तरह दिखने वाला चाहिए ना। नमस्ते, आइए। अच्छा अच्छा आइए आइए आइए।
आप लोगों ने ही तो कहा था कि आप लोग को ऐसा शाहरुख खान चाहिए जिससे आप लोग का दिल बहल जाए। ये देखिए छोटा शाहरुख। कितना बढ़िया गाना गाता है ये। तूने तो कहा था कि शाहरुख खान को लेकर के आएगा, तू एक छोटे से बच्चे को लेकर आया। इसके मोहल्ले में सब इसे शाहरुख ही कहते हैं। आदाब है। हमें बेवकूफ बनाया। सुनिए, आप लोगों ने कहा था कि आपको शाहरुख चाहिए, शाहरुख खान चाहिए, तो मैं शाहरुख खान को यहाँ ले आया। अब आप लोग अपनी जबान बदलेंगे तो ये गलत है ना? अब इसमें हथियार निकालने की क्या जरूरत है? अब हम तुम्हें बताते हैं कि असली शाहरुख खान कौन है। हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ। अरे बाप रे, बाबा की गाड़ी है। अब क्या होगा, हमारे पीछे ही गाड़ी आ रही है। चेहरा ढक कर रखना, शायद उन्होंने हमें देख लिया। उतरो उतरो उतरो, देखो उनके आधे पैर छू लेना उनके। अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन शादी में दिखी थी, लेकिन ये भैया के साथ क्या कर रही है? मेरी बहन। छोटी को देखकर घबरा गए क्या? क्यों भैया, यही है आपके अप्रैल फूल। बाइक पर घूम रहे हैं, इसका मतलब पहले से जान पहचान है। नहीं, आज पहली बार। मोहब्बत से पहले मुझे सब कुछ बताते थे, अब कुछ भी नहीं बताते, सब पूछना पड़ता है। ठीक है, मैं घर में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम कितनी अच्छी हो, तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे होंगे। मैं उनसे कल ही आकर मिलती हूँ। हाँ देखना मैं कैसे आती हूँ। किससे मिलना है? आपके मालिक से मिलना है। आप यहीं रुकिए, पूछ कर आता हूँ। अरे रुको रुको, कहाँ चली आ रही है? मैंने आपको रुकने के लिए कहा था, यहीं रुकिए। अरे मेरे मालिक के घर भी आ गई, अब पता नहीं क्या होगा। ये आपसे मिलना चाहती थी, मैंने इन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे माजरा क्या है ये तो बताइए। मैं एक नई कंपनी से आई हूँ, सुना है कि आप सबकी परेशानी सुलझाते हैं। बोल मत चुप। क्या आप एक लड़की का मसला हल नहीं करेंगे? बेटी पहले अपना मसला तो बताओ। अरे साबुन निकाल रही है, इससे किसकी धुलाई करेगी है? मुझे मेरी कंपनी ने एक सुपर साबुन का एजेंट बनाया है, अगर आप ये साबुन खरीदेंगे तो सभी लोग खरीदेंगे। आपके कहने पर वोट डालते हैं तो साबुन तो खरीद ही सकते हैं ना? लक्ष्मण जी मालिक, साबुन खरीद लो जी मालिक, और बाकी लोगों से भी कह दो। जी 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 मालिक। बेटा 10 साबुन खरीद ले। ठीक है माँ। गंगा आपने आवाज दी, क्या चल रहा है यहाँ पर? वो बिल्ली बैठी और ये बिल्ली कुत्ते की कहानी सुनाना बंद करो। मैं जानती हूँ लड़की कौन थी। नहीं पता। लक्ष्मण जी मालिक, लड़की को लेकर आओ। श्रुति, लड़की को देखकर तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, कौन है ये लड़की? आइए अंदर आइए, बैठ जाओ। अपने माता पिता का नाम बताओ। पिताजी गुलाब राव और माँ कलावती। तुम्हारे पिताजी तो गुजर चुके हैं ना, आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ आई हो, तुम्हारी माँ को पता है? उन्हें पता है। अगर तुम्हारी मोहब्बत कबूल ना करे तो क्या करोगी? मैं जान ले लूंगी। मेरे कहने का मतलब है खुद की जान ले लूंगी। गंगा अपनी बहू का स्वागत करो। जो लड़की अपने लिए जान दे सकती है वही लड़की हमारे घर की बहू बनने के लायक है। आओ आओ बेटी, तुमसे इस घर का चिराग रोशन होगा, सदा खुश रहो। ये हमारी खानदानी चूड़ियां हैं, आज के बाद तुम ही इसे पहनोगी। ये भाई, चावल के व्यापारी एक जलसा करने जा रहे हैं, उसमें तेजस्वर खास मेहमान है। सुनो भाई, तुम जरा बाहर जाओ। चलो बाहर जाओ। नया ड्राइवर अंदर कैसे आ गया? भाई वो खुद ही आ गया भाई। हाँ, उसे हम यहाँ नहीं मार सकते, लेकिन दूसरे शहर में जरूर मार सकते हैं। उसके आने जाने की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। एक किलो चावल का दाम 50 रुपए हो गया, लेकिन बोरों के दाम नहीं बढ़े। किसान बड़ी मेहनत करता है और उसे अपने हक का पैसा भी नसीब नहीं हो रहा। हमने इसलिए इस जलसे का आयोजन किया है, अब आप ही फैसला करिए कि हमें क्या करना चाहिए। मंत्री की चाल चलो। भैया इस खेल का नाम बताइए। चेस। सेक्स? अरे बेवकूफ लेडीज बैठी है यहाँ पर। इन अंग्रेजों ने भी अपने खेल का नाम बहुत सोच समझ के रखा है। ये लीजिए मालगी। अरे क्या कर रहे हो? अरे पकड़ पकड़ उसे। अरे पकड़ पकड़। देखो जो भी उस मुर्गी को पकड़ेगा उसे एक बड़ा सा इनाम दूंगी। ए मेरी मुर्गी, तुम उस मुर्गी को पकड़ पाओगी? ये यहाँ क्या कर रहा है? पकड़ो मुझे नहीं मुर्गी को। मुझे तो अपनी मुर्गी से मतलब है। भैया मुर्गी को कस के पकड़ना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे 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 उड़ रही है। अरे अरे
लो पकड़ो इसे और कहना कि तुमने ही पकड़ा है। जाओ। देखा बेटा, मेरी बहू मुर्गी पकड़ कर लाई है, आज मैं तुझे एक बड़ा सा इनाम दूंगी। जा बेटा, इसे काट कर ले आ जा। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मुझसे कहो मुर्गी ना काटे, पाप लगेगा। तुम इसके लिए रो रही हो? अगर ऐसा हुआ तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उस मुर्गी को छोड़ दो बेटी, अपनी माँ से कड़ी बनाने को कह दो, एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, आज कड़ी खा लेंगे। बाबा। क्या बात है, मैं तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा हूँ, तुम बाहर किसका इंतजार कर रही हो? तुम दो साल के बाद आए हो ना, तो मेरे भाई बहन पूरा परिवार सभी तुमसे मिलने आ रहे हैं। दीदी ये रखिए अपनी साइकिल, जीजा जी ने साइकिल को ठीक करने के बाद घर में छोड़ने को कहा था। जीजा जी, मैंने कब कहा था? अरे आपने नहीं, दीदी के शौहर ने कहा था। आप कौन, उनके दोस्त हैं क्या? अरे ये क्या, पहले ये बताइए, 6 नंबर मकान यही है ना, जिन्होंने साइकिल बनवाने को दी थी वो आपके शौहर है ना? तो पकड़िए अपनी साइकिल और तय कर लीजिए कि कौन पति और कौन दोस्त है। अरे ये क्या, मेरे पीठ पीछे ये कुछ आ रही हो तुम, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, चलो ना, चल। मैं गली का नाम तो पूछना भूल ही गया। अच्छा भाई, पोस्ट ऑफिस वाली गली इसे ही कहते हैं? नहीं, तबेले वाली गली है। अरे बाप रे, मैं तो दूसरी गली में छोड़ के आ गया। छोड़ो यार, बदमाश मेरी बहन को मारता है, मारो इसे। यहाँ क्या हो रहा है? ओए हमारे गांव वालों को कोई मार रहा है, सब लोग जल्दी आ जाओ। अरे अरे क्या हो रहा है ये, मारो मारो। अरे बबलू, मैं किसको बोल रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, ये लोग हमें मार डालेंगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरी एक गलती से पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ये ले, हमारे गांव वालों को मार रहे हैं, चलो मारो। यहाँ तो पूरा मैदान जंग में छिड़ गया है, ऐसा नजारा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। दीदी मुझसे कोई भूल हुई है क्या? तेरी एक साइकिल की वजह से पूरा गांव खत्म हो गया, मैं तुझे छोड़ दीदी नहीं। मुझे क्यों मार रही हो? अभी तो फिल्म शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, अब देख मेरा कहर। उसकी कार का पीछा करने के लिए कहो, गांव के करीब एक लॉरी तैयार खड़ी रहेगी, वो लॉरी उसकी कार को जोरदार टक्कर मारेगी। ये काम किसे सौंपा है? माफिया ग्रुप के लोगों को भाई। खुशखबरी मिली तो एक जिला उन्हें दे देंगे, उनकी किस्मत खुल जाएगी। जी अच्छा भाई। कहो बेटा। कुछ पता नहीं चला लेकिन जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या? शायद इन्हें मालिक के सफर की भनक मिल गई है। उनका जाना जरूरी है, रद्द नहीं हो सकता? नहीं, पत्रिका पर उनका नाम सबसे ऊपर है, जाना ही पड़ेगा। बात क्या है मुझे भी बताओ। शायद मंत्री के कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, बेहतर होगा आप कार से नहीं ट्रेन से सफर करें। ट्रेन से सफर करें, ठीक है। हेलो, ये मंत्री जी का दफ्तर है। जी कहिए। आपको बता दे कि तेजस्वर कार से नहीं ट्रेन से जा रहे हैं। सुनिए, आप कौन बोल रही हैं? हेलो हेलो। बाबा मीटिंग खत्म होते ही रात में सफर मत करना, सुबह निकलना, और आप होटल में नहीं रहना, राइस मिल के मालिक से बात कर लिए, आप वहीं पर रुक जाइएगा। ठीक है, तेजस्वर ट्रेन से ही जा रहा है। अपने लोगों को पहले ही खबर कर दो और उसके बाद अपने लोगों के साथ मिलकर जहरीले चाकू से उसे मौत के घाट उतार दो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा, चलो हम भी ट्रेन से ही चलेंगे। उस पर कम से कम 25 से 50 जख्म होने चाहिए, ये इस रियासत का आज तक का सबसे घिनौना कत्ल होगा। हेलो, मैं भी बाबा के साथ ही जा रहा हूँ, तो कल लौटूंगा, इसलिए कॉल किया था। हेलो, तेजस्वर ट्रेन से नहीं कार से रवाना हुए हैं। अरे मैंने मजाक किया था। तुम कौन हो और कहां से बोल रही हो? हेलो भाई, सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। भाई वो लोग अंदर ही आ रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी। देखो तो वो किस डिब्बे में चढ़े हैं, चलो अंदर, जल्दी चलो, अंदर, अंदर, अंदर। इन्हें कैसे पता चला कि बाबा ट्रेन से रवाना हुए हैं? तुम आखिरी कोच से पहले कोच तक जाओ, बीच में कोई भी टकराए तो फौरन मुझे कॉल करना। जाके देखो तेजस्वर किस कोच में, जाओ। जी भाई। तुम उसके पीछे चलते रहना। मेरे बाबा की जान लेगा? बोझदेल, रामपुर आते ही वो बाबा पर हमला करेंगे,
तुम लोग वहाँ पर जाना और बाबा के साथ ही रहना, उनके साथ ही कोच में रहना। मैंने कॉल करके बाबा के लिए कार का इंतजाम किया है, उसी कार में उन्हें भेज देंगे। कॉल करने के लिए बोला ना, कॉल कर। कहो बेटा क्या हुआ? अच्छा मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारे लिए क्या हुक्म है? दो गाड़ी भरकर जल्दी से भेजिए। स्टेशन आते ही हमारे लोगों के साथ मिलकर उन कमीनों की ऐसी पिटाई करेंगे कि जिस्मों में बस सांसें चलती रहेंगी और बाकी कुछ नहीं बचेगा। मैंने जैसा कहा वही करना। ठीक है, आइए भाई, आइए, आइए भाई। कौन सी गाड़ी में जा रहा है? मरून रंग की कॉलिस में। प्लान के मुताबिक उस गाड़ी को उड़ा दो। ठीक है भाई। ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है। अच्छा चलो। ए, वो तो कब का ट्रेन से उतर गया। क्या तुम लोग उसका जल्दी से पीछा करो। ये कौन है? उसका बेटा है भाई। गाड़ी 5 किलोमीटर दूर है। मैं तैयार हूं। गाड़ी आ गई है, चढ़ा दो। ठीक है। ओके अरे बाबा, अरे क्या क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ? किसने मार दिया? क्या हुआ? क्या ये क्या होता है? सबको मार दिया। एम्बुलेंस को बुलाओ। तुम पुलिस को फोन करो। हाँ करते। तुझे क्या लगता है तू ही दूसरों के फोन से बात कर सकता है? मैंने तेरे बाबा को गांव के पास लॉरी से मरवा दिया। बिखरे पड़े होंगे, जाकर बटोर ले। उन्हें जलाने के बाद अपनी माँ और बहन को लेकर आना और मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाना। चला जा। खड़े खड़े मुंह क्या देखो, जल्दी फोन करो। बेटा हाँ भाई, फोन उठाइए। पुलिस को खबर की जल्दी। बेटा शायद ये लोग अपने गांव जा रहे थे, एक लॉरी वाले ने उड़ा दिया। लगता वो नशे में था, एक्सीडेंट करके भाग गया। वो उनको मारने के लिए नहीं, आपको मारने आए थे। अच्छा तूने मेरी नाक कटवा के रख दी। मैंने उसे कहा था कि वो यहाँ आकर मेरे पैरों में गिड़गिड़ाएगा, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? भाई आपने मरून रंग की क्वालिस कही थी, उसने मरून रंग की अकल के दुश्मन, टक्कर मारने से पहले कंफर्म तो कर लेता ना। हे पता करूं वो लड़की कौन थी जिसने हमें कॉल किया था, वो हमारी दुश्मन है या उसकी? इस नासूर को अब काटना ही होगा। सही कह रहे हो बेटा। अगर वो शिवगंगा से कार लेकर आएगा तो कार लेकर ही वापस जाएगा, अगर वो रामपुर के रास्ते से जाएगा तो बीच रास्ते में ही उस पर मौत की मोहर लगा देंगे। पुल के पास टेक डाइवर्शन का बोर्ड लगाकर गाड़ी का रास्ता बदल देंगे और पुल के साथ ही गाड़ी को उड़ा देंगे। अगर पुल के धमाके से भी वो बच जाता है तो आगे नदी के करीब लॉरी से उसकी गाड़ी को उड़ा देंगे। अच्छा आइडिया है श्याम। अगर वो फ्लाइट से गया तो? रास्ते में तालाब के पास एक पक्की सड़क है, वहाँ करीब में ही आम का बगीचा है, उसके पास वाले पेड़ को काट देंगे। जब वो डरकर गाड़ी से उतरेगा तो वहीं उसे दफन कर देंगे। अगर उस हादसे में भी वो नहीं मरा और भागने की कोशिश की
अगर वो ट्रेन से कहीं रवाना हुआ तो मैं अकेला जाऊंगा। तुम अकेले जाओगे? जब वो ट्रेन में चढ़ेगा तो हजारों लोग नारेबाजी करेंगे। रामपुर से 10-15 लोग खाना लेकर चढ़ेंगे, इस तरह सारे डिब्बे में हमारे ही लोग होंगे। हैदराबाद आते ही बाकी लोग सेकंड क्लास में जाकर सो जाएंगे। वो तन्हा सो रहा होगा, तब मैं जाकर तकिए से उसका मुंह बंद करके उसका खेल खत्म कर दूंगा और नदी में छलांग लगाकर वहां से भाग जाऊंगा। अगले दिन उसकी लाश नदी किनारे पड़ी मिलेगी। अब वो चाहे किसी भी रास्ते से जाए, मुझसे वो बचेगा नहीं। ये लो बेटा कॉफी। लक्ष्मण, लक्ष्मण जय मालिक। अरे इस कॉफी में कुछ तो गड़बड़ है, इसे पकड़ो। मैंने थोड़ी सी पी ली है, लेकिन किसी को कुछ बताना मत। चलो चलो जल्दी करो, चलो जल्दी आओ, बैठो, घर का सारा सामान बाहर फेंक दो, मुझे चक्कर आ रहा है। इस कॉफी को डॉक्टर को दिखाना होगा और पता लगाना होगा इसमें क्या है। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी देखिए हमारे मालिक को। देखना क्या हो गया तेरे पापा को। परेशान मत हो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस इस बात की खबर बाहर वालों को ना होने पाए। घर में कोई नया आदमी आया था? ऐसा तो कोई नहीं आया छोटे भाई। मैं बताती हूँ, पहले स्त्री वाला आया था, फिर मछली बेचने वाला आया था। जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। बेटा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ मछली बेचने आया था। जरा सोचना चाहिए था, पानी पीने से पहले भी अब 100 बार सोचते हैं, फिर आज ऐसे कैसे एक बार परख लेते। अपने घर पानी पीने के लिए भी सोचना पड़े तो मुझसे बदकिस्मत कौन होगा। बेटा श्याम अंदर चलो, कुछ कहना है। सुबह मैंने सबके बारे में बताया, लेकिन राधा के बारे में नहीं बताया। जब मैं रसोई में कॉफी बना रही थी तब राधा वहाँ पर आई थी। फिर क्या हुआ? मच्छी कहाँ है? वो गाय को चारा खिला रही है। अच्छा, आपको यहाँ काम करते हुए कितने साल हो गए? हाँ, मैं इस घर की आया हूँ, इस बात का एहसास आज तुमसे हुआ बेटी। ठीक है, मैं माँ जी से मिलकर आती हूँ। वो ना तो तुम्हारी माँ से मिली, ना ही पलटकर लौटी, बस खामोशी से रसोई से चली गई। ए, किसके बारे में क्या बोल रही हो? उसकी चप्पल वहीं पड़ी है, चाहो तो जाकर देख लो बेटा। भाई एक खबर मिली है, किसी लड़की ने फोन करके बताया था कि मालिक ट्रेन से जाने वाले हैं। आप संभल कर रहिएगा भाई। यही चप्पल पहनकर आई थी ना तुम? वहां आने का मकसद क्या था? उस बुजुर्ग खातून को मीठी मीठी बातों में फुसलाने का या फिर मेरे बाबा को जहर देने का? बोलो। मैं बताती हूँ, तुम्हारे बाबा को मारने के लिए मैंने ही इसे वहां भेजा था। कह दो कि ये झूठ है, जवाब दो, जवाब दो। तुम्हारे बाबा को जहर देने पर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, और हमारे बेटे को तुम्हारे बाबा ने बीच बाजार में जान से मारा था तब? तेजस्वर के खिलाफ बोलता है। उसी दिन मैं तेरे बाबा को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उनका रुतबा और इज्जत होने की वजह से मैं चुप रह गई। लेकिन एक दिन मैंने तुझे अपनी बेटी से बात करते देखा, और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अगर बदला लेना है तो यही एक रास्ता है। लड़की होने की वजह से मैंने इसके हाथों से वहाँ जहर भिजवाया, लेकिन अगर लड़का होता तो उसके हाथों में तलवार होती। अपने बाप की यादों से दूर रहे, इसलिए मैंने अपनी बेटी को इतने सालों तक अपने से दूर रखा। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी की मौत में मेरे बाबा का हाथ है या नहीं, लेकिन मेरे बाबा से बदला लेने के लिए तुमने मुझसे झूठा प्यार किया। मेरी मोहब्बत को अपनी ढाल बनाई तुमने, मुझे जिंदा चढ़ा दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं बहन, मैं तुम्हारे पति की मौत का वजह नहीं हूं,
तुम्हारे पति अपनी मर्जी से चुनाव में खड़े नहीं हुए थे। हमारे बिरादरी के वोट कट जाएं, इसलिए तुम दुश्मनों से रिश्वत लेकर चुनाव में खड़े हुए हो। शर्म नहीं आती भाई? मैंने तो कुछ नहीं किया। बात को घुमाओ मत, अपना नाम चुनाव से वापस ले लो वरना जिंदा नहीं बचोगे। मानिक को मार दो, लेकिन भाई तभी ये इल्जाम तेजेश्वर पर आएगा और वो फंस जाएगा। पूरा गांव जानता है मैंने उसका खून नहीं किया, ये इल्जाम मुझ पर क्यों? जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता है तो मैं फौरन इसको बताना चाहता था, लेकिन इसने कहा कि तुम्हें मालूम है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें हकीकत मालूम है। किसी के बहकावे में आकर इसके दिल में जहर भर दी और इस बच्ची को गुनहगार बना दिया। इसे दूसरे के घर में जिंदगी बितानी है, ये सोचकर आज मेरा दिल रो रहा है। कैसी माँ हो तुम? तुमने सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं किया, मेरे बाबा माँ बहन सारे खानदान के साथ, अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ तुमने धोखा किया है। बाजारों भी थूक कर चली जाएगी अगर उससे झूठा प्यार करने के लिए कहा जाए तो। सुन लिया ना माँ, आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? कहा मैं आप लोगों की बातों में आ गई, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। हमने टेलीफोन बूथ का पता लगा लिया, लेकिन करीब में लेडीज कॉलेज होने की वजह से पता नहीं लग पाया। एक लड़की का तुम लोग पता नहीं लगा सके? छी! कल विधानसभा में विरोधी पार्टियों वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। हम इस बात को भले ही दबा दें, लेकिन वो लोग इस बात को जरूर उछालेंगे। आज ही रात उसके घर पर 50 लोगों को लेकर जाओ और बिना किसी को शक हुए ऐसे हमला करो जिससे तेजेश्वर और उसका बेटा दोनों मारे जाएं। और अगर कोई गांव वाला बीच में आए तो उसका भी सर काट के अलग कर दो। भाई अगर ऐसे काम करेंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा। हमारे लोगों को नजर रखने के लिए कहो, आज रात ठीक 10:30 बजे बिजली दफ्तर से उस गांव की बिजली काटने के लिए कहना। उस दौरान किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई फोन आए तो उसे उठाने के लिए मना कर देना। अब वो ड्राइवर इतना परेशान क्यों लग रहा है? ये तेजेश्वर का आदमी तो नहीं है? पता लगाओ वो कौन है, उसे यहाँ किसने भेजा और भेजने वाले के साथ उसका संबंध क्या है। सॉरी भैया, जाकर पूछिए ना क्या बात है। मुझे नहीं जाना। आप बाबा को जानते हैं ना, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? वो तो अपने दुश्मन से भी प्यार से बोलते हैं। जाइए ना भैया। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती की है वो माफी के काबिल नहीं है। हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। जैसे ये सच है कि मैंने बाबा की कॉफी में जहर मिलाया, वैसे ही ये भी सच है कि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है। तुम्हें अपने बाबा का वास्ता, मेरी मोहब्बत पर शक मत करना। दोस्त, तुझसे कुछ कहना है मुझे। उस बेचारी ने जो कुछ भी किया अपनी माँ के कहने पे किया। जो माफ करता है वो असली इंसान होता है। गणेश, वो मेरा घर नहीं एक मंदिर है, मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। ये बात मैं कैसे भूल जाऊं कि उसी नागी ने मेरे बाबा को डसा था। मैं समझ सकता हूँ, सबसे पहले वो जब तुमसे मिलने आई थी तो तुमसे मोहब्बत करने, तुमसे शादी करने के लिए आई थी। किसी को जान से मारने के लिए कोई ऐसे आता है क्या? सच बता, वो तेरे दिल में है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन फर्क इतना है कि ये वो राधा नहीं है जिसे श्याम ने कभी चाहा था। रुक जाओ बेटा, मेरी बात मानोगे? जाकर उस लड़की को ले आओ। मेरी बेइज्जती करने वाले का सिर काटने के लिए तुम तैयार रहते हो ना, उसी तरह ये भी अपने पिता से मोहब्बत करती होगी। जहां बाजों की जरजमी पे पैदा होने वाली हर लड़की हिम्मत होनी चाहिए ना। दोस्त का दोस्त हिम्मती के लिए हिम्मत वाला, दुश्मनों का दुश्मन होना ही चाहिए, पर धोखेबाज को धोखा नहीं देना चाहिए। उस रोज हम मुर्गी को मारने जा रहे थे, ये सुनकर जो लड़की रोई थी वही उसका असली एहसास था। पहले मुझे भी वो लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन जब ये खानदान सब कुछ छोड़कर आता है तो वो बेबस हो जाता है बेटा। उनकी बाकी की जिंदगी तो उन्हें सुकून से रहने दे, जा बेटा उसे लेकर आ जा। तुमने मेरे सच्चे प्यार का गलत फायदा उठाया है। बाजारों भी थोक कर चली जाएगी अगर उसे झूठा प्यार करने के लिए कहा जाए तो। अब मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं रही। चलो घर चलते हैं।
बाबा ने बुलाया है, चलो घर चलते हैं। ऐसा क्यों किया? हमेशा गलत फैसले लेती हो, मुझे सताती रहती हो। मैं खुद तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, फौरन आइए। अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं बगल वाले गांव में जा रहा हूँ। किसी को साथ ले जाए? रहने दो, सब डरे हुए हैं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मण जी मालिक, भाई के साथ जाओ और हथियार भी लेकर जाओ। ठीक है, छिपा कर रखना। हमने पता लगा लिया है भाई, इस ड्राइवर को जिसने भेजा है वो तेजस्वर का बहुत खास दोस्त है भाई। अरे अकल के अंधो, कहाँ है वो ड्राइवर? वो कहीं हमारे मंसूबों पर पानी ना फेर दे, जल्दी दबोचो उसे। क्या मैं हमें धोखा देना चाहता था तू? हमें धोखा देगा? मालिक मालिक मालिक, गुरु भाई को मार दिया, गुरु भाई को मार दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा मालिक, गुरु भाई को मार दिया। मैं उतर कर कम से कम दो लोगों को मार सकता था, लेकिन अगर हमें कुछ हो जाता तो आप लोगों को यह सच्चाई कौन बताता? इसीलिए मैं मजबूर हो गया। गांव की बिजली काट देंगे, फोन करने से पुलिस नहीं आएगी। ओदे का गुरूर है ना? ठीक है, आप सब लोग अपने घर जाइए और साथ ही अपने बीवी बच्चों का ख्याल भी रखिए। हम सबको अपने अपने घर भेजकर इस मुसीबत से अकेले लड़ना चाहते हैं आप? आपको यहाँ मरने के लिए छोड़कर हम अपने घर जाकर सुकून से रह पाएंगे? आपने हमेशा हमारी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर उसमें हमारा साथ दिया, आज हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? इससे पहले कोई आपको छुए, उन लोगों को हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। गुरु भाई की मौत की छानबीन के लिए पुलिस आई, सबको काट कर रख देंगे। चलो भाई, हम उसे घर में तो क्या गली में भी दाखिल नहीं होने देंगे। अगर किसी ने आपके घर की तरफ कदम भी बढ़ाया तो हम उसका पैर काट देंगे। भाई, हैदराबाद से लोग ठीक 10:30 बजे आकर हम लोगों को फोन करेंगे। जब तक हम लोग ना कहें आप घर के अंदर ही रहिएगा। तेजेश्वर के मरते ही सब मेरी तलाश में जुट जाएंगे। मैं शिवगंगा के गेस्ट हाउस में रहूंगा, तुम वहाँ शादी के मंडप में रहना, काम खत्म होते ही पहुँच जाना, हम सब एक साथ चलेंगे। अभी सब चले जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक। बाबा, गांव वाले आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए वो किसी को भी काट सकते हैं। चाहे जो भी हो, होने वाली लड़ाई से नुकसान तो हमारा भी होगा। जो पैसों के लिए मारपीट करते हैं उनकी बीवियां तो रोएंगी ही ना, लेकिन पड़ोसी भाई और चाचा के घर वालों को कौन जवाब देगा बाबा? हम क्या कर सकते हैं बेटा, सरकार और ओदा उसके पास है, उसका मुकाबला करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हम चार लोग हैं तो हम चार ही काफी हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो कोई बीवी अपने शौहर की मैयत पर रोएगी तो नहीं, लेकिन मरने से पहले उन तीनों को मार कर ही मरेंगे। नहीं बेटा, ये सही नहीं होगा। फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ भी नहीं होगा। हैदराबाद में मेरे एक दोस्त ने मेरे नाम से होटल में कमरा लिया हुआ है। ठीक 10:30 बजे राजेश्वर को मारकर एयरपोर्ट निकल जाऊंगा, फिर मेरा दोस्त कमरा खाली करके एयरपोर्ट आ जाएगा। 1:00 बजे की फ्लाइट से मलेशिया चला जाऊंगा और 6 महीने बाद या 1 साल बाद वापस लौट आऊंगा। ऐसे पुलिस रिकॉर्ड में मेरा नाम भी नहीं होगा। मैं बाहरी मुल्क जाऊँ इसलिए आपने मेरा पासपोर्ट बनाया था ना, तब तो वो काम नहीं आया, लेकिन आज वही मुझे सारी मुश्किलों से बचाएगा। क्या बात है माँ, क्यों रो रही हो? 25 साल से बाबा तलवार लेकर अकेले लड़ रहे थे तब तो तुम नहीं रोई, और अब रोना आ रहा है। माँ की ममता है ना, तो अपने बेटे के लिए ऊपर वाले से दुआ करो, रोकर मुझे कमजोर मत बनाओ। क्या है? तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। माँ बच्चे, तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हम बर्बाद हो जाएंगे बेटा। हम इनको क्या जवाब देंगे बेटा? तेरे बिना कैसे रहेंगे बेटा? क्या जवाब दूंगी मेरे बच्चे में सबको? मुझे क्या करना चाहिए? आज तक मैं समझती थी कि हर हत्यारे के पीछे सिर्फ खून ही खून होता है, लेकिन आज समझ में आया कि उसके पीछे इतना बड़ा मकसद है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लौटकर जरूर आओगे।
आप ही ने कहा था ना बाबा, अगर गुस्से वाला इंसान तलवार उठा ले तो वो अच्छा नहीं होता। किसी की हिफाजत के लिए तलवार उठाना गलत नहीं होता। आपके वापस लौटने तक डीएसपी साहब ने आपके साथ रहने के लिए कहा है। बिजली चली जाती फायर स्टेशन में कॉल कर देना, सारे गांव में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक गांव में जितनी भी खांस है सब जला देना। हमारे बुलाने से पुलिस नहीं आएगी, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले बुलाएंगे तो आना ही पड़ेगा। और तो बच्चों को पक्के मकानों में भेज देना। आई बात समझ में? श्याम मैं भी चलूंगा, मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। आज तक हमारी शादी नहीं हुई ये सोचकर मैं परेशान रहता था, लेकिन आज पता चला अगर हमारी शादी नहीं हुई तो इसका भी फायदा है। जिसने भी हमारे गुरु भाई को मारा है, जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा बेटा। श्याम घर में कोई नहीं है, सब लोग शादी में गए हुए हैं। आज हम लोग खूब मजे करेंगे। प्लानिंग के हिसाब से दो गिरोह में बट जाएंगे और उनका ध्यान बढ़ाएंगे। सारे दस तो बदलने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई आया क्यों नहीं? अरे आएगी आएगी। अपने गांव तक लाने में उन्हें इतनी देर कैसे लग गई? हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पकड़ो 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 बच के ना जाने पाए। पकड़ो, देखो देखो देखो, हाँ चलो 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 आगे देखो आगे देखो। तुम उस तरफ जाओ, तुम उस तरफ जाओ। अरे ले यार बियर पीना, तुम उधर जाओ। भाई वो फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है हम वही चलकर देखते हैं, चलो। शाम वो पास वाले बाग में है, जल्दी आओ। ठीक है। लगता है समय आ गया है, सब लोग मशाल चलाओ। कहाँ भाग रहा है? ये क्या है भाई, हमारे यहाँ पहुंचने से पहले ही वो लोग अपना काम कर गए। चीख मत, अब तक पूरा नहीं काटा है, सिर्फ खाली छीली है। अगर मेरी बात मानेगा तो जिंदगी मिलेगी, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगा। आई बात समझ में? वरना तुझे बाकियों की तरह काट कर यहीं दफना दूंगा। मैं जो कह रहा हूँ वो करेगा। हेलो भाई, हमने इसे माता के मंदिर में पकड़ कर रखा हुआ। क्या तुम सच कह रहे हो? आप यहाँ जल्दी से आ जाइए। भाई आप क्यों जा रहे हैं? मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। अगर आप वहाँ गए तो पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर लेंगे। एक काम करो, तुम दूसरी गाड़ी लेकर वहाँ जाओ। ए, तुम उधर जाओ और तुम उधर। भाई चलो। हाँ, तुम यही रहना। हाँ। बद्री, ए बद्री। आजा, चलो उठ।
मेरे बाबा का सर कटेगा, मेरे खानदान को बर्बाद कर देगा। मंत्री क्या बन गया, दौलत क्या हासिल कर ली, जो जी चाहेगा वो करेगा। तो जुल्म करने वाला मासूम पर हावी हो जाएगा तो भगवान किस लिए है और मंदिर किस लिए है? मुझे मेरा गांव चाहिए, मुझे मेरा खानदान चाहिए, मुझे मेरे बाबा चाहिए। मेरी फिक्र मत करो मां, थोड़े दिनों में ही आ जाऊंगा। अरे सुनो भैया आ गए, पटाखे फोड़ो पटाखे, भाई आ गया। भैया हम सब आपके बिना अधूरे थे,